नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। टीजीटी पीजीटी की क्लास में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। आज इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा और बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स होंगी जिससे कि किसी भी क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा टॉपिक है टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए कि इसमें एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो आना ही आना है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है बच्चों को इसको फर्स्ट क्लास करिए। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि पहले जब आप टीजीटी के लिए तैयार कर रहे हैं तो एक बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन इतना बेसिक भी नहीं कि नहीं 12th का पोर्शन पूरा कवर ना हो, 12th का पोर्शन पूरा का पूरा कवर होगा। लेकिन जब आप पीजीटी की तैयारी के लिए आ जाएंगे तो फिर वहां पर जरूरत होगा जो है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक, तो पहले हम इसको बताते हैं फिर आ जाएंगे उसमें भी जो है। ठीक, बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है आज की। इस क्लास में जो है कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ऐसी चीज आप सीखेंगे कि हो सकता है कि पहले आपको वो चीजें अच्छी ना तैयार हो रही हो, लेकिन आज बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के एक बार पूरे वीडियो को फर्स्ट क्लास तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, जिससे ये पोर्शन आपका डेफिनेटली तैयार हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छा तैयार होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 1। तो सबसे पहले बात यह है, देखिए कि जब किसी भी टॉपिक को हम तैयार करते हैं मैथमेटिक्स का, कोई भी टॉपिक हो, तो बहुत जरूरी है कि उसमें कितने सब टॉपिक्स हैं, क्या क्या है उस टॉपिक के अंदर, क्या कंटेंट्स हैं उसमें, वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम उन चीजों को समझ लेते हैं और फिर आते हैं जो है क्वेश्चंस में, कॉन्सेप्ट में। ठीक है ना। तो नंबर वन इसमें आएगा इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है एक काल्पनिक संख्या जिसको हम आयटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आयटा एक सिंबल है, ठीक है ना, इसी से आई ले लिया गया आयटा। अब बात यहां पर आ जाती है, देखिए कि इमेजिनरी नंबर ही इसको क्यों कहा गया, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का मतलब यही होगा कि सिर्फ हम कल्पना ही कर सकते हैं उसको, वास्तविक में जो है जिंदगी में नहीं उतार सकते उसको, ठीक है ना, प्रैक्टिकल में उसका यूज नहीं कर सकते। जैसे कि हमने लिखा यहां पर x²-1=0, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि सर x=+1 भी होगा और -1 भी होगा, मतलब रियल वैल्यूज इसको आप काउंटिंग कर सकते हैं, रियल वैल्यूज होंगी ये, इनको हम काउंटिंग कर सकते हैं। बट अगर मैं ये कह दूं कि x²+1=0, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि x² तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, x² तो हमेशा धनात्मक ही होगा ना, ये कभी भी जो है जीरो से छोटा हो ही नहीं सकता। तो जब ये जीरो से छोटा नहीं हो सकता तो डेफिनेटली ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। जीरो के बराबर जब होगा ही नहीं तो हमें तो जबरदस्ती जीरो के बराबर करना है इसको, यानी यहां पर हम वही काम कर रहे हैं ना, सिर्फ कल्पना। कल्पना का मतलब यही है कि हम एक ऐसी चीज सोच रहे हैं जो कि वाकई रियल में हमें नजर नहीं आएगी, बस केवल हम कल्पना कर रहे हैं कि ऐसी चीज होगी। बहुत सारी बातें हैं वैसे, इन चीजों को आप कभी भी समझ भी सकते हैं, आपने हो सकता है कि समझा भी हो कि कभी हम किसी के बारे में सोचते हैं कि क्या ऐसा रहा होगा वो, ठीक है ना, पहले के जमाने में ऐसा रहा होगा, ठीक है ना। जैसे एक कलयुग चल रहा है तो मैं अगर कहूँ कि सतयुग और द्वापर में लोग कैसे कपड़े पहनते रहे होंगे, तो आज जो बहुत सारे सीरियल्स बन रहे हैं तो सब इमेजिन ही तो कर ले रहे हैं कि इस तरीके का कपड़ा किसी ने पहना होगा। किसी सीरियल में कोई दूसरा आ जाता है, किसी सीरियल में कोई दूसरा आ जाता है कि नहीं ऐसे कपड़े पहने रहे होंगे, ऐसा उनकी वेशभूषा रही होगी, ठीक है ना। तो ये सिर्फ कल्पना ही है, ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, क्या कल्पना की जाए, कहां तक होगा और क्या ग्रह होंगे, क्या सब चीजें। तो उसी तरीके से यहाँ पर नंबर में है कि हमारे पास नंबर सिस्टम में भी हमारे पास दो ही नंबर होते हैं, एक रियल नंबर और एक दूसरा इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। तो इमेजिनरी नंबर की स्टार्टिंग में यहां से आपको बता रहा हूं कि इमेजिनरी नंबर का मतलब है कि एक ऐसा नंबर जो वास्तविक नहीं है, जो सिर्फ काल्पनिक है। तो अगर ये जीरो नहीं हो रहा है तो फिर हम लेट कर लेंगे, यहां पर हम लेट करेंगे कि x=i है, ठीक है ना, आइटा मान लिया गया हमने कि इसके लिए जीरो होगा,
भाई मान करके तो मैथ में तो आप लोग वैसे भी जानते हो कि मैथ में तो मान करके बहुत कुछ किया जाता है, ठीक है। ढेर सारे क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे जिनमें से खट से लेट करना है और फुट कर देना है और आंसर सामने, ये चीज हम लोग करेंगे भी आगे। तो वही बात यहाँ पर भी हो गई कि x इक्वल टू आइटा हमने अगर लेट कर लिया तो जब आइटा लेट करेंगे तो डेफिनेटली ये आई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो बनेगा। इस कंडीशन में हमारे पास आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन आ गई, जो कि एक फैक्ट है, इसकी जरूरत होगी, इसकी जरूरत पड़ती रहेगी आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। अब आई स्क्वायर की वैल्यू तो आ ही गई ना, तो फिर आई भी साथ में आप निकाल लेंगे, ये हो गया रूट माइनस वन। अब जब आप फंक्शन में पढ़ते हैं तो फंक्शन में डेफिनेटली यही कहा जाता है कि रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रूट के अंदर निगेटिव है तो फिर वो अनडिफाइंड होगा, मीनिंगलेस होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट के अंदर माइनस है तो हम उसको आइटा मानेंगे, यानी उसको आई लिखेंगे, रूट माइनस वन के प्लेस पर आई लिखेंगे। आई की जगह पर रूट माइनस वन लिख करके कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है आपको। तो फिलहाल ये तो मैंने फर्स्ट में इमेजिनरी नंबर के लिए आपको ये बता दिया कि इस तरीके से आपको इमेजिनरी नंबर में, लेकिन इसके साथ इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं अभी, वो भी सब चीजें हैं, तो वो सब मैं बता रहा हूँ। लेकिन पहले पूरा जरा डिटेल में आपको बता दूं कि कितने सब टॉपिक्स हैं, कितना कंटेंट है इसका। तो नंबर वन में हो गया इमेजिनरी नंबर, अब नंबर टू पर आ जाते हैं हम लोग जो है इसके बाद। नंबर टू पर, नंबर टू है इसका कि जब हम इमेजिनरी नंबर को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स का मतलब ही हो गया कि रियल प्लस इमेजिनरी। हाँ, ये जरूर है इसमें कि हो सकता है कि प्योरली रियल हो और हो सकता है कि प्योरली इमेजिनरी हो, यानी शुद्ध काल्पनिक हो या शुद्ध वास्तविक हो, मतलब उनमें से कोई एक पार्ट जीरो हो जाए तो फिर हम उसको प्योरली कह सकते हैं, ठीक है ना, शुद्ध काल्पनिक शुद्ध वास्तविक कह सकते हैं, लेकिन रहेंगे दोनों ही पार्ट, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स में इमेजिनरी भी और रियल भी, तो वो बन जाता है कॉम्प्लेक्स, इसीलिए उसको कॉम्प्लेक्स कहा भी जा रहा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा यहां पर और साथ में उसकी प्रॉपर्टी भी, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, बहुत जरूरी है ये प्रॉपर्टीज, क्योंकि बिना प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो सकता, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है प्रॉपर्टीज की कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे और उसके साथ फिर उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने कहा नहीं कि एक जो है ऐसा पार्ट है ये कि जो कि रियल और इमेजिनरी के कॉन्सेप्ट में लिखा जाता है ये, ठीक है ना, जिसमें से एक्स रियल है और वाई इमेजिनरी है, इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। लेकिन पहले पूरी टॉपिक हम लिख दें यहां, जैसे आप उस टॉपिक के बारे में पूरा जान जाएंगे क्या चीजें हैं, कितना कितना हमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्स में पूरा का पूरा। वो थर्ड नंबर पर फिर नंबर आ जाएगा कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ लिया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ पार्ट तो होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कुछ इसमें और भी चीजें तो होंगी, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप पढ़ेंगे, नंबर तो है ही, अब श्योर है कि जैसे कोई नंबर होता है तो इवन होता है, ऑड भी होता है, ठीक है ना, उसकी कुछ वैल्यू भी होती है, तो ये सब चीजें यहां पर भी हो रही है। तो यहां पर आ जाएगा फिर मॉडुलस, मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब हुआ मापांक, ठीक है, मॉडुलस जो है। दूसरा कंजुगेट, कंजुगेट को हम कहेंगे संयुग्मी। तीसरा आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का मतलब हुआ कोणांक, एम्पलीट्यूड भी कहेंगे इसको आर्गुमेंट, ठीक है ना। मॉडुलस, मॉडजेड, कंजुगेट ऐसे रिप्रेजेंट होगा, आर्गुमेंट ऐसे रिप्रेजेंट होगा, थीटा भी लिखा जाता है इसको, ठीक, ये चीज होगी। तो पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर के तीन पार्ट हो गए, यानी इमेजिनरी नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज भी आएंगी, तीन प्रॉपर्टीज हैं इसकी खास, ठीक। फिर मॉडुलस और कंजुगेट आर्गुमेंट क्या होगा, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें क्या क्या चीजें निकाली जा सकती हैं, वो ये हो गया। लेकिन इसी के साथ एक चीज और भी आ जाएगी, सबसे बड़ी बात यह है कि मॉडुलस कि बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं जो क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से तुरंत लगवा देते हैं, ठीक है ना। कंजुगेट में भी कई प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्गुमेंट जानते हैं, आर्गुमेंट केवल एक ही पार्ट है जो है ऐसा जो जबरदस्त जो लॉगरिथम में यूज कर देता है, बिल्कुल जैसे लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज यूज होती है, लॉग की प्रॉपर्टी
कि log x into y equal to log x plus log y होगा, सेम वही चीज, यानी log का याद हो गया तो ये भी याद हो गया, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट का x कामा वाई। अब सीधी सी बात है कि x कामा वाई किसी ना किसी प्लेन में ही होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, प्लेन तो बहुत सारे होते हैं, जब आप पढ़ेंगे 3D में इसको जो है, तो फिर एक्स वाई जेड प्लेन तीनों आ जाते हैं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स आ जाएगा, लेकिन अगर ट्वेल्थ में केवल इसको देखा जाए तो ट्वेल्थ में तो केवल एक्स वाई प्लेन में ही होगा। हाँ, क्वाड्रेंट जरूर हो जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा, ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा भी आपको हिंट देता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें इसमें आपको मिलना है, कैसे आप इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करके अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट का, जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव पॉजिटिव, किसी भी क्वाड्रेंट, किसी भी चतुर्थांश में हो सकता है। और फिर ये चीजें जब मिलेंगी साथ में उसके, तो फिर प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज तो होना ही चाहिए। एंड प्रॉपर्टीज तो प्रॉपर्टीज इन तीनों की आपको पढ़ना होगा। ये हो गया बच्चों, तीन सब टॉपिक हो गए जिनको जरूरत है, इनमें पढ़ने पढ़ना होगा। अब आ जाते हैं जरा फोर्थ नंबर पर। आपने मॉडुलस आर्गुमेंट कंजुगेट, बहुत बड़ा पोर्शन है, एक अच्छा सा पोर्शन है, ठीक है ना, इसको अच्छा तैयार करने करना होगा। अब इसी के साथ एक चीज आ जाएगी फिर यहां पर, स्क्वायर रूट, ठीक है ना, स्क्वायर रूट। और साथ में एक चीज और भी साथ में इसी के तैयार करना होगा, क्यूब रूट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसका क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार जो है टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का डेफिनेटली मिलेगा ये, ठीक है ना, 100% मिलता है इसका क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर के, हर एक टॉपिक के लगभग, जिससे हर एक टॉपिक को कवर करके आप समझें। और फिर जैसे ही हमारा बैच स्टार्ट होता है 18 तारीख से, ठीक है ना, तो वहां पर हम लोग जो है जबरदस्त तरीके से करेंगे बिल्कुल, ठीक है ना, बेसिक से लेकर के टॉप तक कोई भी चीज बचनी नहीं चाहिए, 0 to 100 पूरा का पूरा, कुछ भी नहीं रहना चाहिए शेष, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे ट्रिक हो, ठीक है ना, चाहे प्रैक्टिस हो, सब कुछ होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर आएंगे जब हम लोग, तो फिर इसमें होगा फिफ्थ नंबर होगा इसका सबसे स्ट्रांग पोर्शन होगा, लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अब जानते हैं, ये लोकस एक ऐसा पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का कि इसमें लाइन भी है, डिस्टेंस भी है, ट्रायंगल भी है, सर्कल भी है, पैराबोला भी है, इलिप्स भी है, हाइपरबोला भी है, और सबकी बहुत अच्छी ट्रिक भी है, कॉन्सेप्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। देखिए ये चीज तो आप समझ करके चलिए कि कॉन्सेप्ट तो हम बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है, और ना ही ट्रिक, कॉन्सेप्ट इसलिए पूरा बताना जरूरी है क्योंकि आपको टीचर बनना है आगे, तो अगर पहले से आपने तैयार किया है हमारे साथ तो श्योर है कहीं किसी कॉलेज में जाएंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है ना। और मैं तो भाई यही चाहता हूँ कि आप जिस कॉलेज में जाएं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका सिलेक्शन भी हो और डेफिनेटली आप अच्छा से अच्छा कर पाए उस कॉलेज में, और वहां के बच्चों को बहुत कुछ अच्छा दे पाए, ठीक है ना, जिससे कि फ्यूचर और भी अच्छा हो उन बच्चों का भी। भाई हम अपना अच्छा कर रहे हैं तो हम अपने जो है जो अगली पीढ़ी है उसको भी अच्छा दे सकें, तभी तो ये जो टीचर का मतलब ये होता है कि हम अच्छा करेंगे तो श्योर है कि हमारे साथ भी अच्छा होगा और दूसरे लोग भी और अच्छा कर पाएंगे, उनको अच्छा सिखा पा रहे हैं। इसके बाद लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स में ये सब चीजें होंगी जो मैंने आपको काउंट कराया, मतलब लगभग आप समझ के चलिए कि पूरी की पूरी 2D ज्योमेट्री, कॉनिक सेक्शन सब आ गया इसमें, ठीक है। बहुत बेहतरीन जो है टॉपिक है वाला, सब टॉपिक इसका, बहुत बढ़िया, आनंद भी आता है इसको पढ़ने में। इसके बाद फिर एक पार्ट और बन जाता है इसमें से, सिक्स नंबर ये है nth रूट्स, मतलब nth रूट्स का भी क्वेश्चन बन सकता है, जिस तरीके से क्यूब रूट्स हो रहा है तो फोर्थ का फिफ्थ का भी बन सकता है, उसी को हम कहेंगे nth रूट्स भी। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, जैसे क्यूब रूट्स का मतलब है कि इकाई का घनमूल, ठीक है ना, इकाई का घनमूल है उसमें, तो उसी तरीके से इसमें जो है इकाई का nth मूल कहा जाएगा इसको,
वन का nth रूट्स, ठीक है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, एक ये होगा। और एक सेवन फिर और आपको पढ़ना है कि फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। इतनी चीजें आपको पढ़नी है इसमें से, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। सेवन सेवन सब टॉपिक हैं जो तैयार करना है आपको, और इतना पूरा तैयार हो गया तो समझ लीजिए फाइव से लेके एट तक के पूरे मार्क क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आपके परफेक्ट होंगे, बिल्कुल होंगे, 100% होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आपने देख लिया इसमें से, ये हो गए, ठीक है ना। पहले टॉपिक्स यहां से मैंने आपको बताया ये, फिर इसके बाद जो है दूसरा, ये रहा आपने देखा, ठीक, ये सेवन तक पूरा ही हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं पहले नंबर पर, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि आटा क्या है वो, फिर आटा की कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं, और उसमें मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक आपको देता हूँ, और वो ऐसी शॉर्ट ट्रिक है कि आपको अभी क्वेश्चन जो आपने जो एग्जाम दिया था 2021 में, आपको वो क्वेश्चन दिख जाएगा कि उसमें इसका यूज हुआ था, बहुत बढ़िया से यूज हुआ था, ठीक है ना। और बताऊंगा मैं साथ में इसमें आपको जो है, ठीक है। तो पहले उन पर डिस्कस करते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट में जो है। तो आटा आपने देख लिया कि क्या चीज है, अब इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ आटा, प्रॉपर्टीज ऑफ आटा में सबसे मेन बात नंबर वन, नंबर वन पर आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर रूट माइनस वन के प्लेस पर तो हम आई लिखेंगे ही। सेकंड नंबर इसमें यह होगा कि आई स्क्वायर जब भी होगा तो यहां पर माइनस वन लिखेंगे, इसकी जरूरत आपको बहुत पड़ेगी। थर्ड नंबर में फिर हम जो है जब आई क्यूब लिखते हैं तो आई क्यूब को हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये तो हमने कहा नहीं कि आपको आई के प्लेस पर इसको मत लिखिएगा, रूट माइनस वन की जगह पर आप इसको लिखेंगे, क्यों, जैसे यहां पर आ जाए रूट, रूट माइनस थ्री लिख करके आ गया, रूट माइनस थ्री है तो इसको आप लिखेंगे आई रूट थ्री। लेकिन अगर कहीं रूट सिक्सटीन लिख करके आ गया माइनस में, तो फिर बच्चों प्लस माइनस आप लगाएंगे, क्योंकि वो रूट से बाहर नहीं आया, वो रूट से बाहर नहीं आया, लेकिन ये रूट से बाहर आ रहा है, फोर आ रहा है इसका, तो फोर तो लिखेंगे आप, ठीक है ना, लेकिन आई लगाएंगे साथ में। आई क्यों लगा रहे हैं जानते हैं, क्योंकि हम इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस सिक्सटीन को हम चेंज कर देंगे माइनस वन और इनटू सिक्सटीन, तो सिक्सटीन का तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, फोर, और ये आई हो गया। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि जब भी कहीं रूट में होगा माइनस में तो हम आइटम में बदल लेंगे, और आई स्क्वायर को तो आपको याद रखने रखना है, ठीक है ना। और इसके बाद आई क्यूब की वैल्यू को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, आई स्क्वायर भी और इंटू आई भी, तो आई स्क्वायर तो आप समझ गए कि माइनस वन होगा, तो फिर आई क्यूब की वैल्यू बन जाएगी माइनस आई, ये हो गया, ठीक, ये ध्यान रखिए, बन जाएगा माइनस आई, ठीक। अब इसके बाद फोर्थ नंबर पर, फोर्थ नंबर पर आई की पावर फोर, फोर से ज्यादा नहीं जा सकता, ये वैल्यू वन हो जाएगी। मतलब ये दो चीजें आपको तैयार रखना है, ठीक है ना, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए, आई स्क्वायर माइनस वन और ये पूरा का पूरा आई की पावर फोर वन, ये पूरा का पूरा तैयार हो जाना चाहिए आपको बढ़िया से। अब इसी से इन्हीं दोनों का यूज करके हम कुछ प्रॉपर्टीज और डिस्कस कर लेते हैं साथ में, वो भी यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं। देखिए फिफ्थ नंबर पर, फिफ्थ नंबर ये है कि अगर अपान में हो गया तो, अगर अपान में आई हो गया तो क्या करेंगे, अपान में अगर आई हो जा रहा है तो फिर आई का मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, अंश और हर में आई का गुणा करेंगे यहां और यहां, तो फिर ये बन जाएगा, बन जाएगा साथियों, यहां आई स्क्वायर हो जाएगा, यहां ऊपर आई आ जाएगा, यानी माइनस आई हो जाएगा। इसी तरीके से सिक्स की बात अगर हम करें तो वन अपान आई क्यूब हो सकता है, तो फिर आई का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आप, तो यहां आई की पावर फोर बनेगा, इसमें जो है न्यूमरेटर में आई रहेगा और डेनोमिनेटर में हो जाएगा आई की पावर फोर, तो वन हो जाएगा, तो केवल आई आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है इसमें से, यानी सिक्स ये इसी से बन गई, दो ही से सब काम हमारा हो जा रहा है, वन अपान आई में केवल आई का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, लेकिन जरूरत पड़ेगी, जरूरत तो पड़ेगी भाई इसकी, ठीक है ना, जरूरत तो 100% इसकी कहीं ना कहीं पड़ती रहेगी ये दोनों की, ठीक। तो फिर आ जाते हैं जरा सेवन में भी, सेवन प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर हम आई टू पावर एन लिखे हैं कुछ भी, तो उसको डिवाइड कर दीजिए फोर से,
ठीक है ना। और जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसको लिख दीजिए आप, जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसको आपको लिखना है आई टू पावर आर, ठीक है ना। आई टू पावर आर एन को फोर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर और क्वेश्चेंट बचेंगे, यानी भागफल और शेष फल। तो जितना भी बचे यानी आई की पावर कुछ भी आपको मिले, आपको हमेशा एक ही काम करना है, फोर से डिवाइड करना है। अब रिमाइंडर कितना बच सकता है भाई, फोर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वन बचेगा, टू बचेगा तो थ्री बचेगा, ठीक है ना। तो अगर रिमाइंडर वन बचा तो आई होगा, रिमाइंडर टू बचा तो आई स्क्वायर माइनस वन होगा, ठीक है ना। रिमाइंडर थ्री बचा तो फिर आई क्यूब हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। मतलब घूम फिर करके हमारे पास चार वैल्यूज ही आएंगी, ठीक है ना। आई की पावर एन में जब आप निकालेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जो है आई आ सकता है, ठीक है ना, या माइनस आई आ सकता है, या फिर माइनस वन आ सकता है, ये वन आ सकता है। चार के अलावा कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि डिवाइड करने पर इन्हीं में से कोई ना कोई तो बचेगा ही। इस तरीके से जो है ये आयटा की प्रॉपर्टीज हो गई। लेकिन अभी इसमें एक खास प्रॉपर्टीज और है, जो है उस पर भी हम आते हैं सेवेंथ के बाद एट्थ में। एट्थ प्रॉपर्टीज इसकी, एट्थ में इसका प्रॉपर्टीज बनेगा आई टू पावर एन है अगर, प्लस आई टू पावर एन प्लस वन, प्लस आई टू पावर एन प्लस टू, प्लस आई टू पावर एन प्लस थ्री, तो डेफिनेटली जीरो होगा। मतलब ये कि अगर क्रमागत चार, ठीक है, क्रमागत चार घात लगातार आ जाए आई की पावर में तो वो जीरो हो जाएगा। मतलब ये कि अगर जैसे यहां पर लिखा है आई टू पावर हंड्रेड प्लस आई टू पावर हंड्रेड वन प्लस आई टू पावर हंड्रेड टू प्लस आई टू पावर हंड्रेड थ्री, तो फिर डेफिनेटली ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। ये जीरो क्यों हो जाएगा, देखिए, क्योंकि हम इसको फोर से डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट डिवाइड है, इसलिए वन हो जाएगा, ठीक। इसमें रिमाइंडर वन बच रहा है तो आई होगा, इसमें रिमाइंडर टू बच रहा है, ठीक है ना, रिमाइंडर टू बच रहा है इसमें तो आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर। इसमें रिमाइंडर थ्री बच रहा है तो आई क्यूब होगा। अब इसके बाद क्या बन गया, इसमें ये वन हो गया, ये प्लस आई है, ये माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस आई हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये सब कैंसिल आउट हो गया तो जीरो आ गया। इसलिए आप याद रखेंगे, ठीक है ना, फोर कंजुगेटिव पावर ऑफ आइटा इज इक्वल टू जीरो, यानी इंटीग्रल पावर है अगर वो कंजुगेटिव है, लगातार है, क्रमागत है, तो 100% वो जीरो ही होगा। इस प्रॉपर्टी को भी आपको तैयार रखना होगा, ठीक। ये खास है इसमें, ये आठ प्रॉपर्टी इसमें से हो गई। अब जरा थोड़ा सा आते हैं, जरा शॉर्ट ट्रिक में आ जाते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत सारा हेल्प करेंगे आपको क्वेश्चन को लगाने में, ठीक है ना। तो जरा आ जाते हैं हम पर शॉर्ट ट्रिक्स में। कैलकुलेशन वही है लेकिन काम आएंगे जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स में क्या है, नंबर वन पर अगर हम वन प्लस आई की पावर टू यानी स्क्वायर लिखते हैं, स्क्वायर ऑफ वन प्लस आई है, ठीक है, वन प्लस आई का होल स्क्वायर है, तो ये हमेशा टू आई के इक्वल होगा, टू आई के इक्वल होगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि वन स्क्वायर होगा फिर आई स्क्वायर होगा, तो आई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, माइनस वन, होल स्क्वायर करेंगे तो वन आया, प्लस आई स्क्वायर आया, प्लस टू आई, ठीक है ना, ये आ गया। तो आई स्क्वायर तो माइनस वन है तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो फिर टू आई ही बचेगा, टू आई होगा ये, ठीक। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। दूसरा नंबर अगर वन माइनस आई है, वन माइनस आई का स्क्वायर, तो फिर ये माइनस टू आई बनेगा, ठीक है। थर्ड नंबर पर ये शॉर्ट में बहुत जबरदस्त यूज होंगे, यहां पर वन प्लस आई अपान वन माइनस आई है, ठीक है ना, वन प्लस आई अपान वन माइनस आई है, तो फिर ये बनेगा आई के इक्वल। इसी तरीके से फोर्थ नंबर में आ जाएगा वन माइनस आई अपान वन प्लस आई, तो फोर्थ नंबर में होगा वन माइनस आई अपान वन प्लस आई इक्वल टू माइनस आई। मतलब इनको आप समझ लीजिए कि अगर ये कहीं भी मिलेंगे आपको तो जल्दी कर सकते हैं। हालांकि अगर आप ये कहें कि सर ये बन कैसे गया,
तो इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर देंगे, वन प्लस आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल आई बचेगा, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस आई बचेगा, बाकी कंप्लीट हो जाएगा, पूरा फिनिश हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो है चार ये है देखिए, जो बहुत ही यूज होते रहेंगे कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर में, आपको कहीं ना कहीं मिलना ही मिलना है। ठीक, अब जरा आते हैं फिफ्थ नंबर पर। फिफ्थ नंबर का कॉन्सेप्ट इसका ये है, ट्रिक जो खास यूज होगा इसमें, कि अगर वन प्लस आई की पावर कुछ भी लिखा हो, वन प्लस माइनस कुछ भी हो यहां पर, ठीक है, आई की पावर एन लिखा हुआ है, तो आप एन को फोर से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद क्वेशेंट भी आएगा यानी भागफल और रिमाइंडर भी आएगा। भाई आप फोर से डिवाइड करेंगे इनको तो जरूर कुछ भागफल भी आएगा और कुछ शेषफल भी आएगा, तो फिर इसका आंसर बन जाएगा बहुत ही बढ़िया ट्रिक से सीधा सा, माइनस फोर की होल पावर क्यू क्वेशेंट जितना भी होगा, अगर यहां प्लस है तो प्लस कर लीजिए और अगर माइनस है तो माइनस कर ले लीजिए, लेकिन यहां रिमाइंडर लगाना है आपको, पावर आर लगाना है आपको। ये जो है फाइव शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएंगे इसमें से, ठीक है ना। तो आप इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी आगे करते हैं, फिर और आगे आते हैं, ठीक है ना। हालांकि इस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं इसमें, जरा देखिए ये क्वेश्चन, क्वेश्चन है यहां पर वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ वन प्लस आई टू पावर फोर माइनस वन माइनस आई टू पावर फोर। ये जो है 2021 में, इसके पहले जो एग्जाम हो चुका, आज के पहले जो आपने देख दिया होगा, जिन स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन देखा होगा, ये आया था, ये देखिए। तो अब मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आप कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी आपको पता है, इसकी वैल्यू भी आपको पता है, जो अभी मैंने ट्रिक लिखाया आपने देखा भी इसको जो है, ये देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, देखिए प्लस है और माइनस है दोनों में, इसका यूज आपको तुरंत कर देना है, ठीक है ना। तुरंत आप यहाँ पर आ जाइए, तो हम ये फोर को डिवाइड करेंगे भाई, फोर से डिवाइड करेंगे फोर को, तो आएगा कितना, सीधी सी बात है कि फोर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर तो जीरो ही रहेगा, राइट, रिमाइंडर जो है जीरो ही रहेगा, फोर को फोर से आप डिवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन तो वन होगा लेकिन रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर देर किस बात की, सॉल्यूशन बड़े आराम से हो जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाइए तुरंत इसके, बहुत तेज। वन प्लस फोर से डिवाइड किया आपने, तो हमने उसमें आपको लिखाया है कि माइनस फोर की पावर क्वेश्चन आ जाएगा, तो इस वाले पार्ट में बन गया माइनस फोर टू पावर क्वेश्चेंट वन है, भागफल वन आया है, तो ये हो गया। अब दूसरा रिमाइंडर जीरो आ रहा है इसका, तो फिर वन प्लस आई की पावर कितना, जीरो हो गया, ठीक है ना, क्योंकि फोर को फोर टाइम्स जो है, जब यहां फोर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर एक बार गया तो क्वेश्चेंट तो वन हो गया लेकिन रिमाइंडर जीरो है, वही चीज हमने यहां पर लिख दिया। अब इसके बाद माइनस, अब इस पर आ जाते हैं, तो यहां पर भी वही कंडीशन है कि माइनस फोर की पावर वन और यहां पर जो है वन माइनस आई, वन माइनस आई में रिमाइंडर बचा हुआ है जीरो, तो जीरो लिखिए, उसमें क्या दिक्कत है। अब आप जानते हैं किसी की भी पावर जीरो लिखेंगे हम तो वो वन ही होता है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो चाहे कुछ भी हो, वो वन ही होता है। तो ये वैल्यू भी वन हो गई और ये भी वैल्यू वन हो गई, तुरंत ही वन हो गया ये। अब माइनस फोर इधर भी बच रहा है, माइनस फोर उधर भी बच रहा है, ठीक है ना, तो कितना आ गया आंसर देख सकते हैं आप, माइनस फोर इधर है और उधर माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, ठीक है ना, माइनस फोर है वहां पावर वन है तो माइनस बरकरार रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया साथियों, जीरो, ये हो गया। इस तरीके से अब आप देख लीजिए कि जो मैंने अभी ट्रिक बताई आपको, इसमें जो है ना तो एक्सप्लेन करने की जरूरत है ना कुछ, सीधा सा लगाइए फट से तुरंत आ जा रहा है। हालांकि एक्सप्लेन करेंगे तो वन प्लस आई का स्क्वायर, वन प्लस आई का स्क्वायर करेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन इससे बेस्ट हो जा रहा है, बहुत बढ़िया सा लग जा रहा है, देर भी नहीं लगेगी, तुरंत हो जा रहा है इससे, ठीक है ना। तो ऐसे और भी कई क्वेश्चन है तो उन पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले, बहुत अच्छे क्वेश्चन है जिससे एक पूरा कॉन्सेप्ट भी आप समझ जाएं और कि कैसे जल्दी से जल्दी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर वन है, देखिए वन प्लस आई अपान वन माइनस आई का होल क्यूब,
वन माइनस आई अपान वन प्लस आई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो फिर एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी इनमें से। तो अभी कुछ देर पहले आपने इसको देखा था कि हमने सॉल्यूशन आपको कराया था, इसमें वन प्लस आई अपान वन माइनस आई की वैल्यू हमारे पास है, पहले से ही पता है कि वन प्लस आई अपान वन माइनस आई इज इक्वल टू आई एंड वन माइनस आई अपान वन प्लस आई इज इक्वल टू माइनस आई, ठीक है ना। इनमें कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी आगे भी और कई हम बताएंगे जो डायरेक्ट आपको यहाँ पर जो है एग्जाम में धरे धराए मिल जाते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से डायरेक्ट वही। और खास बात बताएं, और जो है मेंस के क्वेश्चन कई ऐसे हैं जो डेफिनेटली हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है जो प्रीवियस ईयर के हो चुके हैं वो मिलते हैं। तो खैर वो सब चीजें तो मैं आपको बताऊंगा ही, वो सब मिलेंगी, आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें, सब चीजें मिलेंगी। तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू आपको मिल गई, वो उसके अकॉर्डिंग आपको दिख गया कि ये होगा आई क्यूब माइनस, ये भी आपको दिख गया कि होगा माइनस आई का होल क्यूब। तो आई क्यूब की वैल्यू भी अभी कुछ देर पहले आपने लिखा है कि माइनस आई होगी, और इसकी वैल्यू भी आपने लिखा है, ये देखिए ये माइनस है तो डेफिनेटली माइनस माइनस क्या बन गया, ये माइनस, ठीक है ना। तो आई क्यूब तो माइनस आई हो गया, ये माइनस बरकरार रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि पावर आड है इसकी, तो पावर आड होने की वजह से, क्योंकि होल पावर लिखा हुआ है तो यहां तो ठीक हो गया, यहां माइनस भी है साथ में, तो ये माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस कर देगा इसको, ठीक है ना। प्लस करने के बाद आई क्यूब भी तो रहेगा, ये भी होगा, आई क्यूब की वैल्यू फिर से माइनस हो जाएगी, या यहीं पर माइनस करते तो भी, तो माइनस आई और माइनस आई ये बन गया, तो ये हो गया माइनस टू आई, माइनस टू आई बन गया ये। माइनस टू आई का मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जीरो माइनस टू आई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है ना, ये चीज हम लिख सकते हैं इसमें। कंपेयर करिए आप, कंपेयर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास तुरंत, एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू माइनस टू, ये हो गया इसका आंसर, बहुत ही आराम से बिल्कुल शानदार तरीके से, ना हमें कुछ और करना पड़ा, वैल्यू हमें पता थी, फटाफट हमने इसका यूज किया और तुरंत आंसर आ गया ये, ठीक है ना। जीरो कामा माइनस टू ऑप्शन बी, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है ना। अब आ जाते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ एक्स इक्वल टू थ्री प्लस आई, ये थ्री प्लस आई है ये जरूर आप देखें, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर ये आई है, ठीक है ना, थ्री प्लस आई, देन ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो ये गलती आप कभी ना करें कि एक्स इक्वल टू थ्री प्लस आई हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी एक्स इक्वल टू थ्री प्लस आईटा हम यहां अगर पुट करके शुरू कर दिए तो फिर ये क्वेश्चन इतना भारी हो जाएगा कि लगेगा कि यार अब इससे तो कई क्वेश्चन का टाइम चला गया हमारा, ठीक है ना, तो ये कभी ना होने पाए, ध्यान रखिएगा। तो बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है इसका, ध्यान से सुनिए आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर के, कि अगर कभी भी एक्स की वैल्यू आइटा के टर्म में दी हो या फिर एक्स की वैल्यू ओमेगा के टर्म में दी हो, दोनों में मिलेगा ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि केवल इसी मिल रहा है, आइटा में और ओमेगा में भी मिलेगा आपको, ठीक है ना। वैल्यू फाइंड करने के लिए फाइंड आउट करना होगा आपको वैल्यू, किसी कोई पॉलीनोमियल दिया होगा, एक्स टू एक्स क्यूब भी है, एक्स टू पावर फोर भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको एक ही काम करना है कि आयटा को फिनिश करना है, ठीक है ना, एलिमिनेट करना है, और आयटा एक ही तरीके से एलिमिनेट होता है जब स्क्वायर कर दिया जाए, ठीक है ना। तो फिर जब इसकी बात आ जाएगी बच्चों, तो सॉल्यूशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका, एक्स इक्वल टू थ्री प्लस आयटा है तो एक्स माइनस थ्री इक्वल टू आयटा, ठीक है ना, ऐसे आपको बना लेना है। अगर ओमेगा होता है यहां पर तो ओमेगा वहां रखते, बाकी इधर कर देते, ठीक है ना। अब स्क्वायर कर दीजिए आप, तो जब स्क्वायर करेंगे तो आयटा समाप्त हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर बन गया ये, और आयटा का स्क्वायर हो गया,
एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू आयटा का स्क्वायर। आयटा का स्क्वायर तो माइनस वन होता है, प्लस टेन इक्वल टू जीरो। अब यही सब कुछ करेगा, सब कुछ इसी से होने वाला है, ठीक है ना, सब कुछ इसी से होगा। वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका हम यूज नहीं करेंगे अभी, हम इसी का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टेन। और इसके बाद आप एक काम करेंगे, जो पॉलिनोमियल है हमारे पास ये, इसका फर्स्ट टर्म देखेंगे कि इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें कि ये आ जाए। टू एक्स क्यूब हो सकता था, यहां पर एक्स क्यूब है, एक्स पावर फोर हो सकता था, कुछ भी इनमें से हो जाए, हमें फर्स्ट टर्म को लाना होगा इसमें मल्टीप्लाई करके। तो यहां पर फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किसका करें हम, एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो एक्स क्यूब बन जाएगा। यहां पर सिक्स एक्स स्क्वायर बन रहा है, माइनस का सिक्स स्क्वायर बन रहा है, बट यहां पर तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है, यहां पर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर बन गया, यानी ज्यादा हो जा रहा है माइनस तीन, तो प्लस तीन कर देते हैं हम, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, अपने आप उतना ही आ जाएगा। मतलब ये ध्यान रखना है आपको कि पहला स्टेप ये होगा कि चाहे यहां ओमेगा के पावर उसमें टर्म में हो, चाहे आयटा के टर्म में हो, आपको जो है ओमेगा को भी सेपरेट करके राइट साइड में रखना है, आयटा को भी राइट साइड में रखना है। इसके बाद स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे तो आयटा गायब हो जाएगा, माइनस वन आ जाएगा उस जगह, तो एक ही क्वेश्चन बन जाएगा। हो सकता है क्वाड्रेटिक बने या हो सकता है क्यूबिक भी बन जाए, कभी ऐसा भी चांस आ सकता है। तो इतना करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को जो बन चुका है विदाउट आयटा, जो गिवन था हमारे पास, उसी को लिखेंगे और फर्स्ट टर्म को मिलाएंगे, ठीक है ना, जिसका वैल्यू निकालना है फर्स्ट टर्म का, उसको मिलाएंगे कि क्या हम मल्टीप्लाई कर दें कि फर्स्ट टर्म आ जाए, बस केवल फर्स्ट टर्म। जब आप इसको मिला लिया आपकी आ चुका है, तो फिर आगे वाले में मल्टीप्लाई करिए। अगर वो टर्म आपको दिख रहा है कि सेम आ गया तो ठीक है, आपको लग रहा है कि उसमें कुछ कम और कुछ ज्यादा है, तो फिर आप उतना ही प्लस उतना भी माइनस कर दीजिए। कम है तो माइनस कर प्लस कर दीजिए, ठीक है, ज्यादा है तो माइनस कर दीजिए, ठीक है, कम है तो प्लस कर दीजिए, ऐसे आपको करना है। अब इसके बाद यहां देखिए टेन एक्स आ रहा है, प्लस का टेन एक्स है, लेकिन वहां तो माइनस एट एक्स है भाई, प्लस का टेन एक्स आ रहा है हमारे पास और माइनस का एट एक्स चाहिए, तो कैसे किया जाए, माइनस अठारह माइनस एटीन कर दिया जाए अगर, तो आ जाएगा माइनस का एट एक्स, बन जाएगा बड़े आराम से, और प्लस फिफ्टीन कर दीजिए, प्लस 15, ठीक है ना, ये हो गया। बस इतना करना है आपको। अब ये वैल्यू जीरो होगी बच्चों, एक्स इंटू जीरो, ये जीरो हो गया, इसीलिए कर रहे थे इसको ना, कि जिससे जीरो हो जाए, खत्म कहानी उसकी, आगे बढ़ते चले हम लोग। एक बहुत बढ़िया बेस है ये, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होता जाएगा, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अब इसके बाद फिर से वही लिखेंगे आप, इसको मत देखिए, अब लिखना वही है आपको, ठीक है ना, इसको देखने की जरूरत नहीं है, इसको अभी नहीं देखना है आपको, बस समझ लीजिए कि इसका यूज करेंगे, लेकिन अभी यहां पर लिखना आपको फिर से ही है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टेन, लिखना आपको यही है, ठीक है ना। जब यही लिखेंगे तो फिर किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि जिससे थ्री एक्स स्क्वायर बन जाए, तो श्योर है कि यहां पर अगर हम थ्री का मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा काम हो गया। ये थ्री का मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो थ्री एक्स स्क्वायर भी आ गया, एटीन एक्स भी आ गया और थर्टी भी आ गया, प्लस थर्टी आ गया, प्लस थर्टी, लेकिन हमें जरूरत नहीं है प्लस थर्टी की भाई, हमें प्लस फिफ्टीन चाहिए, ठीक है ना। एटीन एक्स आ गया है, देखिए थ्री एक्स स्क्वायर भी आ चुका है, प्लस थर्टी आ रहा है, हमें प्लस थर्टी नहीं प्लस फिफ्टीन ही चाहिए था, तो माइनस फिफ्टीन कर दीजिए, ये हो गया, ये भी पार्ट जीरो हो गया, ठीक है ना, और माइनस फिफ्टीन बच रहा है आपके पास, That is answer, ये answer आ गया है, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक, समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे बढ़िया सा, बिल्कुल ऐसे जो है आपको आयटा और ओमेगा में कहीं भी मिलेगा, तो बिल्कुल यही थ्योरी आप यूज करिएगा, यही शॉर्ट ट्रिक, जिससे कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा और बाकी पार्ट जीरो होता चला जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में, थर्ड को जरा देखिए, थर्ड में क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है ना, इफ मॉड जेड इक्वल टू फोर
एंड आर गजेट इक्वल टू 5π/6, ठीक है ना। तो इसके हम ये सब चीज का डिस्कशन हम लोग करेंगे जो है बैच में पूरा अच्छी तरीके से, जैसे आज हमने थोड़ा सा थ्योरी बताया है उसको, ये सब चीजें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कितना डिफरेंस है जो है। कॉन्सेप्ट पढ़ना तो है लेकिन हमें जरूरत ट्रिक की भी है, क्योंकि 125 क्वेश्चन करना है हमें, ठीक है ना। हमें अपने आप को जो है बिल्कुल सिक्योर करना है कि जिससे कि 100% हमारा सिलेक्शन हो। और अगर हम ये सोच करके चलेंगे कि नहीं पूरा कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल पढ़ना है, उसको नहीं छोड़ना है, वो मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन साथ में ट्रिक पढ़ना है कि जिससे हमारे क्वेश्चन भी जल्दी हो जाए, सिलेक्शन भी तो लेना है। सिलेक्शन लेंगे और कॉन्सेप्ट जानते होंगे तभी तो हम जाकर के कॉलेज में पढ़ा पाएंगे, ठीक। तो जरूरी है ये चीजें। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कभी मॉड जेड इक्वल टू जब लिखा होगा और कुछ भी लिखा हो, ठीक है ना, मॉड जेड इक्वल टू कुछ भी रियल वैल्यू लिखी हो, मॉड जेड इक्वल टू ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, इज ए सर्कल। ये हमेशा सर्कल ही होता है। और सर्कल कैसा होगा ये, ठीक है ना, सर्कल एक जो है बनाएगा सीधा सा, जिसका सेंटर 0, 0 और रेडियस ए होगी, और ये जेड इसमें राउंड कर रहा होगा, ठीक है ना, जेड इसमें राउंड कर रहा होगा, ठीक, जेड जो है यहां पर ये राउंड कर रहा होगा, यहां पर घूमेगा, पूरे गोले में घूम रहा होगा जेड, ठीक है ना। ये सेंटर भी इस तरीके का जब होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रेडियस 4 है, ये रेडियस 4 हो जाएगी इसकी, ठीक है ना, सेंटर 0, 0 ही रहेगा। आर्ग जेड इतना एंगल बनाता है, यानी एंगल बनाने का मतलब जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्ग जेड का मतलब ये होता है कि ओरिजिन से उस पॉइंट को मिला दीजिए आप, और मिलाने के बाद जितना एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा, ठीक है ना, वही आर्गुमेंट होगा। हालांकि कॉम्प्लेक्स में क्लॉकवाइज में भी माइनस में आर्गुमेंट भी हो जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए एक सर्कल तो बन ही रहा है, ठीक है ना, सर्कल बन रहा है, लेकिन फिर भी इसके साथ हमें ये आर्गुमेंट आप देख रहे हैं 5π/6, यानी यहां पर होना चाहिए, सर्कल तो रहेगा ही ये, लेकिन यहां पर साथियों यहां पर होगा, इस जगह जो है जेड होना चाहिए, क्योंकि ये एंगल हमारे पास है 5π/6, ये है 5π/6 है, ठीक है ना, इसलिए ये एंगल 5π/6 है। तो श्योर है कि ये कहां पर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब देखिएगा जरा इस क्वेश्चन को, कभी कभी हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करते हैं जो कि ऑप्शन से क्लियर कर देते हैं उनको, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना। देखिए भाई मैथ है, मैथमेटिक्स का मतलब ये होता है कि सब कुछ तंत्र मंत्र लगाना है, हमें लेट भी करना है, ऑप्शन का भी यूज कर लेना है अगर ऑप्शनल है कंपटीशन में, ये तो होता ही रहता है, क्योंकि वहां पर हमें ये नहीं सिखाना है कि हम पूरा लगा करके ही दिखाएंगे यार, तो पूरा लगा के तो दिखा देंगे लेकिन सिलेक्शन में नहीं हो पाएगा तो फिर करेंगे क्या उसका, फिर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उस प्लेटफॉर्म में भी तो पहुंचना जरूरी है आपको, ठीक। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों निगेटिव हैं। हमने आपसे पहले कहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक कोऑर्डिनेट है, ठीक, जिसको हम एक्स कामा वाई में लिख सकते हैं, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड फोर्थ एक्स वाई एक्सेस कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, पूरे 9 जगह हो सकता है, 4 जगह क्वाड्रेंट भी हैं और 4 एक्सेस भी हैं, नेगेटिव पॉजिटिव मिला के और एक ओरिजिन, 9 जगह कहीं भी हो सकता है वो, लेकिन होगा ऐसे एक्स गामा वाई। तो फिर ये नेगेटिव है दोनों तो थर्ड में होगा, ये पॉजिटिव है दोनों तो फर्स्ट में होगा, ठीक है। अब जरा केवल ये देखिए, केवल एक ये बच रहा है हमारे पास, इसको जरा चेक कर लेते हैं मॉडुलस निकाल करके और आर्गुमेंट भी निकाल करके, ठीक है ना। तो इसका मॉडुलस और आर्गुमेंट जब निकालेंगे तो जिसमें मॉडुलस क्या बनाइए, 2√3 + 2i, जरा मॉडुलस का फार्मूला आप जानते हैं, ठीक है ना। मॉडुलस का मतलब है कि जब भी आप मॉड जेड लिखेंगे तो मॉड जेड का मतलब होता है रूट के अंदर x² + y² रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, ठीक है ना। और आर्ग जेड की अगर हम बात करें
तो अर्ग जेड का मतलब होता है कि टेन इनवर्स, टेन इनवर्स होगा और वाई अपान एक्स होगा, ये होगा ठीक, ये चीज होगी। तो यहां पर जो है देखिए, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जा रहा है, कितना आएगा, ये हो जा रहा है टू टू या फोर थ्री या ट्वेल्व, और ये हो जा रहा है 16, ठीक है ना, दोनों मिला करके ये 4 हो गया, 12 4 16, इसका मतलब इसकी वैल्यू मॉडुलस की 4 आ गई है, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया ना। 2√3 का स्क्वायर आप जानते हैं, 2 का स्क्वायर भी, ये 12 हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा, 16 हो गया, रूट लगाएंगे तो 4 आ जाएगा। आर्ग्यूमेंट की अगर हम बात करें देखिए, तो ये देखिए 2/√3 tan थीटा, जब निकालेंगे tan थीटा इक्वल टू हो गया कितना, 2/√3 इमेजिनरी अपॉन रियल, लेकिन माइनस का, तो ये तो कैंसिल आउट हुआ, 1/√3 बन रहा है लेकिन माइनस का बन रहा है, और टेन माइनस कहां पर होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो पाई माइनस पाई बाई सिक्स, क्या बना इसका, पाई माइनस पाई बाई सिक्स, ये हो गया, ये आ गया 5π/6, ये बन गया। इस तरीके से हम निकाल करके कैलकुलेट कर लेंगे, यानी ये आंसर हो गया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया से, यानी ऑप्शन से, ये तो मैंने पूरा डिटेल बता दिया, एग्जाम में ये सब चीज आप करने की जरूरत नहीं है, जब आप जान गए कि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल ये है, तो एक सेकंड में, यानी आप बिल्कुल ओरली आप निकाल लीजिए कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 4 आ रहा है, तो समाप्त होगी कहानी उसकी, ठीक है ना। अब आ जाते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहां पर फोर्थ में है Z1 Z2 टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी दोनों जीरो कभी नहीं होंगे और ये कंडीशन दी हुई है, तो फिर अर्ग Z1 और अर्ग Z2 क्या होगा। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, बहुत बढ़िया सा हो भी जाएगा। दोनों रियल वैल्यूज लिखी हैं, अब जब दोनों ही रियल वैल्यूज लिखी हैं, तो फिर हम एक क्या करेंगे, दोनों का सीधा सीधा जो है एक्सपेंशन कर देते हैं, ठीक, एक्सपेंशन कर देते हैं इसका। जब एक्सपेंशन करेंगे तो क्या बनेगा, पहले वाले का पार्ट का Z1 और Z2 जो अंदर लिखा है वो कॉम्प्लेक्स है, तो जब आप स्क्वायरिंग करेंगे Z1 + Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, वो रियल है पूरा का पूरा, यानी A+B का होल स्क्वायर जैसे बनेगा वो, Z1 + Z2 ये हो गया इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर बना, तो फिर ये क्या होगा, यहां पर Z1 का स्क्वायर मॉड Z1 का स्क्वायर बनेगा प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। अब बच्चों एक चीज और होती है इसमें, जब भी मॉड Z1 + Z2 का होल स्क्वायर करते हैं तो यहां पर 2ab नहीं आता, यहां पर आता है Z1 conjugate Z2 + Z1 Z2 conjugate, ये आता है, ध्यान रखिएगा। अगर यहां माइनस होता, ठीक है ना, अगर यहां माइनस होता तो ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, लेकिन यही होगा, और इसमें दो वैल्यू जब और भी होती है, इसको आगे लिखा जा सकता है रियल मॉड Z1 Z2, यहां नहीं लिखूंगा मैं फिलहाल उसको अभी, रियल मॉड Z1 Z2, ठीक है ना, Z1 / Z2 ये लिखा जाएगा, या फिर ट्वाइस मॉड Z1 / Z2 cos θ1 − θ2। अब इन दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, जो अभी एक ये है इससे तो बना ही, वो भी दोनों से क्वेश्चन अभी बनेंगे, मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो रेगुलर बैच में पूरा 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 आप सब चीजें मिलेंगी, बिल्कुल एक एक, यानी एक क्वेश्चन अगर एक कॉन्सेप्ट हमने बताया उसके तीन पार्ट हैं, तो तीनों में क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और तीनों का एक्सप्लेनेशन भी पूरा का पूरा होगा। यहां पर दूसरे वाले को जब हम करेंगे तो वो A+B का होल स्क्वायर ही है, मॉड Z1 स्क्वायर हो गया, मॉड Z2 स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, प्लस ट्वाइस मॉड Z1 और Z2। अब देखिए यहां पर जरूरत आ गई है मुझे, क्यों जरूरत पड़ी है, ये तो कट गया दोनों, लेकिन ये वाला इधर है और ये वाला इधर है, अब हमें जरूरत आ गई, देखिए इसीलिए मैंने कहा ना कि जरूरत पड़ेगी उसकी जो है, और है जरूरत तो मैं लिखता भी हूं। अब इसको जरा देखो सब लोग, यहां पर हमने इसकी जगह पर हमें लिख देना है क्या, ट्वाइस मॉड Z1 Z2 cos θ, लेकिन cos θ1 − θ2 ये लिखा जाएगा। बच्चों थीटा वन का मतलब क्या है, यहां थीटा वन का मतलब है कि अर्ग जेड वन, और थीटा टू का मतलब है अर्ग जेड टू, ये वैल्यू है इसकी। तो इसके सामने तो हमारे पास दिया ही है ना ट्वाइस मॉड Z1 मॉड Z2, तो ये कैंसिल आउट हुआ,
ये पूरा का पूरा पार्ट तो अब आपके सामने दिख रहा है कि उधर क्या बच रहा है, वन कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू इक्वल टू वन। अब आप जानते हो कि कॉस थीटा इक्वल टू वन तभी होगा जब थीटा जीरो हो, कॉस जीरो की वैल्यू ही वन होती है, ठीक है ना, ये पता है आपको कि कॉस जीरो इज इक्वल टू वन होगा। तो फिर इसका मतलब डेफिनेटली थीटा वन माइनस थीटा टू इक्वल टू जीरो, और थीटा वन और थीटा टू तो आर्गुमेंट है ना, तो बन गया अर्ग जेड वन माइनस अर्ग जेड टू इक्वल टू जीरो, ठीक, ये बन गया, ठीक है ना, ये कंडीशन आ गई हमारे पास। तो सेवर है कि ये दोनों बराबर होंगे, ये भी एक बन सकता है क्वेश्चन, जीरो तो आ ही रहा है तो आंसर तो हमारे पास आ ही गया। लेकिन अगर कभी ये पूछा जाए कि दोनों बराबर भी होंगे, तो जब जीरो आ ही रहा है तो सेवर है कि दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। चलिए इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक। अब आते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें देखिए वन प्लस कॉस फाइव प्लस आई साइन फाइव वन प्लस कॉस फाइव माइनस आई साइन फाइव टू होल पावर एन। अब अगर हम इसको पूरा जो है कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर से सिंप्लीफाई करने के बाद फिर पावर को उसमें जो है सबमिट करें, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर आप समझ लीजिए बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब यही चीजें आप लोगों को सीखना है कि कुछ ऐसा करें कि जल्दी से आ जाए। तो यहां पर देखिए खास बात इसकी ये है, बहुत बढ़िया है, शॉर्ट ट्रिक है इसमें, किस तरीके से हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पर वन प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, यहां पर फाई है, फिलहाल यहां मैं थीटा लिख देता हूं, आप समझ लीजिए इसको, वन प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन में वन प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक, ये हो गया। जब भी ऐसा कहीं लिखा होगा, अब इसमें फोर केसेस बनते हैं, ये आपको हम बता दें, ये शॉर्ट ट्रिक में फोर केसेस बनेंगे। फोर केसेस कौन कौन से होंगे, वन प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, अभी यही पोर्शन ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और प्लस वाला नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। वन प्लस कॉस की जगह वन माइनस साइन, वन माइनस कॉस आ जाएगा, वन प्लस कॉस है तो वन माइनस कॉस बनेगा, मतलब एक वन प्लस कॉस थीटा में है तो दूसरा वन माइनस कॉस थीटा में होगा, और तीसरा होगा ये वन प्लस कॉस थीटा आई के प्लेस में चला जाए, आई के साथ चला जाए और साइन पहले आ जाए, मतलब साइन थीटा प्लस आई वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, और उसी तरीके माइनस भी, मतलब कुल मिलाकर के इस कंडीशन में, इस ट्रिक में हमारे पास फोर केसेस हैं। तो ये सभी फोर केसेस हम हालांकि पूरा लिखाएंगे, जब बैच स्टार्ट होगा तो वहां पर आप लोगों को सब पूरा डिटेल मिलेगा, सब पूरा नोट्स फर्स्ट क्लास मिलेंगे, लेकिन अभी इसकी जरूरत है तो इसमें हम आपको समझा दें। तो जब ये लिखा होगा तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, अगर प्लस ऊपर है, यहां पर प्लस है तो प्लस, ये माइनस ऊपर होता तो ये माइनस, बिल्कुल कितना सिंपल बन गया भाई, पावर एन है, अब तो कुछ बचा ही नहीं, सीधे डी मोइबर थ्योरम लगा देंगे, ठीक है ना। डी मोइबर थ्योरम क्या होगी, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा तो होल पावर एन होगा, तो जो पावर दी हुई है वो एंगल में आ जाएगी, ठीक है, जो पावर है वो एंगल में हो जाएगी, तो ये बन जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ये बनेगा बच्चों, ठीक है ना, यानी ये शॉर्ट ट्रिक हुई और शॉर्ट ट्रिक लगाते लगाते क्वेश्चन फिनिश, समझ सकते हैं आप कौन सा बन रहा है, देख लीजिए कॉस एन फाई प्लस आई साइन एन फाई, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना, ये माइनस में है, होगा ही नहीं, ठीक, ये दोनों तीनों नहीं होंगे। कितना बेस्ट टेक्निक है, आप देख लीजिए, हमने केवल अभी ट्रिक लिखा है, कुछ उसमें कुछ लिखा भी नहीं, हालांकि ट्रिक अपने मन से नहीं बनी, इसको कैलकुलेट किया गया, सॉल्यूशन निकाला गया, ठीक है। वन प्लस कॉस थीटा का मतलब होगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, साइन थीटा का मतलब होगा टू साइन थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू, इस तरीके से इसको भी कैलकुलेट करके और सिंप्लीफाई करेंगे, कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे तो अपने आप इतना बचता है। तो ऐसे ये फोर केसेस हैं जो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी हेल्प देंगे, ठीक, ओके डियर। अब आ जाते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में,
क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब देखिए जरा बात करता हूं मैं थोड़ा सा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, है ना। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन मैंने कहा ही आपसे कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछा जाता है टीजीटी में पीजीटी दोनों में भी, ठीक है ना। तो यहां पर एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, देन वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू चाहिए 27 तक गया हुआ है। तो एक बात आपको हम पहले ये बता दें कि जब भी इसमें ऐसा लिखा होगा कहीं भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, राइट, अगर ऐसा लिख करके आ रहा है तो फिर एक्स की वैल्यूज डेफिनेटली ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होगी। लेकिन अगर इसी में कहीं ये लिख के आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो फिर डेफिनेटली एक्स की वैल्यूज यानी रूट्स माइनस में हो जाएंगे, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर ये होंगे। तो हालांकि यहां जरूरत तो एक की है लेकिन मैंने दोनों लिख दिए, ठीक। अब एक बात बताऊं, आंसर तो हो चुका साथियों इसका, आंसर तुरंत हो गया तो मैं समझा रहा हूं आपको, आंसर जानते कैसे हो गया, ये रहा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए 27 इंटू 2 इक्वल टू 54, दैट इज आंसर, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या कमाल हो गया, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है आपने उसका मल्टीप्लाई कर दिया आंसर हो गया, यही तो खास बात है और क्या, ठीक है ना, यही तो खास बात है कि हमें कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है लेकिन ट्रिक भी पढ़ना है कि जैसे हमारे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक। इन दोनों का जो है मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ये फैक्ट है, हमेशा हो जाएगा ऐसा। बस एक बात ध्यान रखना है कि यहां पर जो है 3 का मल्टीपल हो, ठीक, और यहां पूरे में सब में 2 ही होना चाहिए, तो इसके लिए फिर ये सेटिस्फाइड है। अब आप कहेंगे सर अगर 3 का मल्टीपल ना होता, उससे अगर 28 होता तो जितनी वैल्यू 27 से आ रही है उसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे, अगर 28 ना होकर के 29 होता तो 1 प्लस 1, मतलब कुल मिलाकर के 3 का मल्टीपल जहां तक है वहां तक आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, वह आंसर हो जाएगा। और जितने टर्म आगे चला गया है, सीधी सी बात है कि भाई 3 का मल्टीपल होने के बाद एक टर्म आगे जाएगा या दो टर्म आगे जाएगा, इससे तो ज्यादा जा ही नहीं सकता ना। 27 के बाद 28 आएगा, 29 आएगा डेफिनेटली, इसके बाद 30 आना, तो 30 तो फिर मल्टीपल हो गया, तो 30 होता अगर तो 30 into 2 60 हो जाता, ठीक। और अगर यहां 28 होता तो 22 इंटू यानी 54 प्लस 1 हो जाता, 29 होता तो प्लस 2 हो जाता, ठीक है ना। बड़े आराम से जो है ये कैलकुलेट हो जाएगा तुरंत ही, जो बिल्कुल सिंपल वे में। ये आपको ध्यान रखना है जो मैंने बता दिया आपको कि अगर 3 का मल्टीपल के आगे गया है तो 1 आगे होगा या 2 आगे होगा तो उतना ऐड कर देंगे। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बनेगा कैसे सर, आपने ये तो जल्दी कर दिया लेकिन बनाना भी तो सिखाइए, तो ये तो जरूरी है कि बनाएं कैसे इसको। तो एक्स इक्वल टू हमने ले लिया है, देखिए ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है, तो यहां पर पुट करिए, आप पहले वाले की बात कर रहा हूं मैं, इसमें पुट करिए, ठीक है ना। तो जब इसमें पुट करेंगे एक्स ओमेगा प्लस वन अपान ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, सॉरी यहां पर बनेगा बच्चों, एक मिनट, ओमेगा ही है ना, ओमेगा स्क्वायर तो दूसरे में है, वन अपान ओमेगा, पहले एक को सॉल्व कर देते हैं बाकी समझा देंगे दूसरे को, तो वन अपान ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ही होता है, वन अपान ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा होता है, जस्ट अपोजिट, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे। अगर अपान में ओमेगा लिखा है तो ओमेगा स्क्वायर वैल्यू होगी, वन अपान ओमेगा स्क्वायर लिखा है तो ओमेगा वैल्यू होगी, दो ही होते हैं ये। तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट, स्क्वायर है। अब एक कॉन्सेप्ट तो और भी होता है ना जो कि बहुत ही जरूरत पड़ती रहती है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये सम ऑफ रूट्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू जीरो, यानी वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा। तो फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी, तो माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही आएगा ना, हर बार वन आएगा ये। इस तरीके से जो है इसमें भी वही कंडीशन होगी, यहां एक्स स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर होगा, यहां पर जो है ओमेगा स्क्वायर होगा तो यहां पर जो है ओमेगा आ जाएगा, तो फिर वही केस आ गया, ये देखिए माइनस वन का स्क्वायर ये भी वन बन जाएगा, ठीक। अगर क्यूब की बात हम करें तो जब क्यूब होगा तो जहां जहां क्यूब होगा 3 का मल्टीपल
वन अपान ऐसे, तो थ्री का मल्टीपल जहां पर भी आपको मिलेगा वहां सब जगह जो है वन प्लस वन का स्क्वायर मतलब फोर आ जाएगा, हर जगह फोर आता रहेगा, राइट, ये आता रहेगा। तो जितने थ्री के मल्टीपल होंगे उन सभी में फोर आएगा। अगर हम पूरा डिटेल से निकालें इसको तो थ्री के मल्टीपल कितने आएंगे 27 तक, 3 9 27, ठीक है ना, 9 टाइम्स आएगा, तो 4 9 टाइम्स हो गया, यानी 4 9 36, ठीक है। अब इसके बाद बचेंगे 18, तो सभी 18 टर्म्स जो बचेंगे थ्री का मल्टीपल जो नहीं है उनमें सब में 111 ही आएगा, तो 18 टाइम्स 1 हो गया, ठीक है, और 36 वो हो गया, 36 प्लस 18 54 हो गया। तो ये तो पूरा जो है कॉन्सेप्ट लगाने का हो गया कि कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे आप किसी दूसरे को भी, लेकिन शॉर्ट ट्रिक आप समझ के रखिए जो हमने बता दिया वो एकदम परमानेंट फिक्स है, हमेशा ऐसे ही यूज करना है आपको जल्दी से। ओके डियर, अब आ जाइए नेक्स्ट में, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, साइन पाई बाई 8 प्लस आई कॉस पाई बाई 8, साइन पाई बाई 8 माइनस आई कॉस पाई बाई 8 होल पावर 8 है दोनों के, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जरा आते हैं इसमें सॉल्यूशन में इसमें, लेकिन सॉल्यूशन के पहले एक चीज समझ लीजिए, इसमें यहां पर भी जरूरत है हमें खास की, ठीक है ना, खास की यहां भी जरूरत है। अगर हमने कभी कॉस थीटा लिखा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपान में कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है ना, तो आप ये जानते हैं कि इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये माइनस है तो प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा और ये साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा, लेकिन ऊपर बन जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो जिसमें से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस टू थीटा बनेगा और टू आई साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा बनेगा। तो अगर ऐसा है तो फिर डायरेक्ट आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कॉस, ये पोलर फॉर्म में बना हुआ है पूरा का पूरा, कॉस टू थीटा प्लस आई साइन टू थीटा, बहुत बढ़िया सा बच्चों, तुरंत हो जाता है, देख लीजिए बड़े आराम से हो गया है। अब आपको जो है बना लेना है फटाफट, लेकिन समस्या तो ये है ना साथियों, यहाँ पर आई है देख रहे हैं, यहाँ पर भी आई है, कॉस है इसके साथ, लेकिन पोलर फॉर्म में कभी भी कॉस के साथ आई नहीं होना चाहिए, आई को आप कॉमन लेके बाहर लाइए, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, भूल करके भी ये गलती ना होने पाए कि कॉस के साथ आई रहे, हटाइए आप उसको कॉमन लेकर के, ठीक है। अब एक बात और, अगर ये माइनस ऊपर होता तो यहां माइनस हो जाता बस, इसके अलावा कुछ नहीं होना था, माइनस हो जाता ये तुरंत, तो वही प्रोसेस यहां पर यूज कर दीजिए, लेकिन आई कॉमन लाइए। तो जब आई कॉमन लाएंगे तो आप जानते हैं हमने बताया है आज इसी की जगह इसी के साथ पीछे बता चुके आपको कि वन अपान आई की वैल्यू क्या होगी, माइनस आई होगी। तो यहां देखिए, यहां आई आपने कॉमन लिया, इधर लाए आप, तो सीधा सीधा क्या बन गया, एक बात और कर सकते हैं आप, अगर आप इसको यूलर फॉर्म में बनाना चाहें तो भी लिख सकते थे ई टू पावर आई टू थीटा, ये भी लिख सकते थे आप इसको, ठीक है, यूलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म यूलर फॉर्म, ए प्लस आई बी फॉर्म जान ही रहे जो हर बार लिखा जाता है, ठीक है ना, 3 प्लस आई 2 प्लस आई 1 प्लस आई कुछ लिखेंगे तो पोलर फॉर्म जो है स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ए प्लस आई बी फॉर्म हो गया। तो यहां पर जब हम आई कॉमन ले रहे हैं देखिए, तो ये वन अपान आई आ जाएगा, यहां पर जो है वन अपान आई आएगा, यहां भी वन अपान आई आएगा, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये माइनस ऑलरेडी था, ठीक है ना, ये माइनस ऑलरेडी है, ठीक है ना, तो यहां पर आप क्या करेंगे, आप माइनस आई कॉमन ले लीजिए, माइनस आई कॉमन लेंगे तो यहां पर प्लस बन जाएगा और यहां भी प्लस हो जाएगा दोनों चीजें। तो चलिए, आई की पावर 8 कॉमन लिया आपने, ये हो गया, तो यहां पर बचा कॉस पाई बाई 8, कॉस पाई बाई 8, और यहां वन अपान आई बनेगा साइन के साथ, तो माइनस आई हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाई 8, ये हो गया साथ, पावर 8 तो लिखने लिखना है आपको, यहां पर आ जाइए, ठीक है ना, ये चीज हो गई। अब सेम यही चीज यहां ध्यान दीजिएगा, माइनस आई कॉमन ले रहा हूं तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस आई की पावर 8 आप कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना, टोटली माइनस आई साथ में जा रहा पावर 8 में, तो कॉस पाई बाई 8 बन रहा है, कॉस पाई बाई 8, और यहां पर भी जैसे माइनस ले रहे हैं तो यहां तो प्लस था, तो माइनस वन अपान आई बन जाएगा, माइनस वन अपान आई का मतलब हुआ कि प्लस आई आ जाएगा, प्लस आई साइन पाई बाई 8, ये बन गया पावर में 8।
ये तो कैंसिल आउट करिए भाई, इसका तो कोई मतलब नहीं रह गया अब, ठीक है ना, ये कैंसिल आउट हुआ, ठीक, फिनिश। अब ये दोनों की पावर एट है तो हम पावर टोटली पावर एट बाहर कर देते हैं, ठीक है ना, टोटली जो है पावर बाहर कर देते हैं और यही सामने बन रहा है, बस प्लस वाला नीचे है माइनस वाला ऊपर है, तो यहाँ माइनस लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम, बढ़िया सा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम इसको, ये बन गया टू थीटा, में लिख रहा हूँ बच्चों में डायरेक्ट, ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा बन रहा है ये पाई बाई एट है, पाई बाई एट का मतलब थीटा, तो टू थीटा हम कर देते हैं, तो जब टू थीटा करेंगे तो टू इंटू पाई बाई एट का मतलब क्या हुआ, पाई बाई फोर हो गया, ये आ जाएगा, ठीक, पाई बाई फोर बनेगा ये, मतलब जहां यहाँ टू थीटा लिखा है यहाँ माइनस हो जाएगा और पावर में एट तो बना ही रहेगा वो, ठीक है ना। तो चलिए ले आते हैं उसको भी अब, तो ये हो गया कॉस पाई बाई फोर, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक, कॉस पाई बाई फोर माइनस आई साइन पाई बाई फोर, माइनस आई साइन पाई बाई फोर, टू थीटा लिखा है मैंने ये, ठीक है ना, माइनस ऊपर था तो माइनस में भी लिखा है, जैसे ये टू थीटा है ट्रिक में जो लिखा है, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है, ये वैल्यू इसके अकॉर्डिंग यूज करना है, इसमें भी जो है दो बनेंगे, एक ऊपर एक नीचे कर देंगे, तो ये प्लस वाला ये लिखा है मैंने, माइनस वाला यहाँ पर यूज हो गया, यानी दोनों आपके तैयार हो गए यहाँ पर इसमें, तो जब टू थीटा कर देंगे तो ये बन गया। अब पावर एट भी है, पावर एट की जब बात आ जाएगी तो पावर एट में आपको अभी कुछ देर पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि डी मोइवर थ्योरम लगेगी, हमेशा ध्यान रखिएगा पोलर की पावर कभी भी जो है ना जाएगा तो उसको आपको मल्टीप्लाई मिलाना है, पावर को रिड्यूस करके जो है आपको थीटा के साथ लाना होगा, ठीक। तो यहां पर जब एट लाएंगे तो टू पाई हो जाएगा, यहां भी टू पाई हो जाएगा, तो साइन टू पाई की वैल्यू तो क्या होगी, जीरो, कॉस टू पाई की वैल्यू, कॉस टू पाई की वैल्यू वन हो जाएगी, आंसर हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। इसी जगह जो है आपको यहां पर, अब ये तो मैंने लिखा ही दिया आपको, तो इसको मैं जरा हटा देता हूं, ये बन गया कॉस एट पाई अपान फोर माइनस आई साइन एट पाई अपान फोर, ये हो गया बच्चों, ये देखिए टू पाई बना, ये भी टू पाई बना, तो साइन टू पाई की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, ठीक है, ये तो जीरो हो गया, लेकिन कॉस टू पाई की वैल्यू वन हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर आ गया वन, ये हो गया। मतलब इतना जो है देर लगाने की जरूरत नहीं थी, ये तो हमने पूरा लिख के समझाया आपको, आप सेकंडों में देख सकते हैं यहाँ पर आई की पावर एट दोनों से कॉमन आ जा रहा है, माइनस में भी आ रहा है, तो कैंसिल आउट हो गया, इसके बाद सीधे बन गया तुरंत ही, माइनस ऊपर है तो माइनस में बना लेकिन टू टाइम्स हो गया, ठीक है ना, एंगल टू टाइम्स हो गया, बस इसके साथ सीधे आंसर हो गया डिम्बल लगा करके। यानी ये कॉम्बिनेशन है मैथमेटिक्स का, आप समझ लीजिए कि जब भी हम किसी टॉपिक को करते हैं तो ये केसेस बनते रहते हैं कि मैथ में जो है कौन से ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट, मेथड, वर्किंग रूल क्या कहाँ का कौन सा लग जाए, सबसे बड़ी बात यही होती है मैथ की जो इसमें। चलिए अब आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये देखिए अब यहाँ एक लोकस की बात आ गई, जैसे मैंने कहा नहीं था कि लोकस का जो पूरा चीजें हैं, मैंने इस जो है क्लास में आपको वो सब चीजें बताने का प्रयास किया है कि जो टॉपिक्स हैं लगभग लगभग सभी में कैसे यूज करते हैं, वो सभी चीजें यहाँ पर हैं, ठीक है ना, कि जैसे हर एक टॉपिक के क्वेश्चन को आप समझ जाएं, सब टॉपिक जो दिए थे उनमें से हर एक चीज जो है, कुछ और भी अभी बताएंगे आपको हम। ये देखिए जो इक्वेशन बना हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है ना, सर्कल इसमें कैसे बनता है समझिए जरा, जो है सर्कल इसमें बनेगा सॉल्यूशन में जेड जेड बार, जेड जेड बार यानी कंजुगेट, जेड जेड कंजुगेट प्लस यहां पर होगा ए कंजुगेट जेड, ए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी है, ए भी एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसके बाद यहां पर ए जेड प्लस फोर, तो प्लस फोर की जगह हम यहां बी लिख रहे हैं, ये है इज ए सर्कल, ये सर्कल है, इस टाइप का जब भी होगा तो सर्कल होगा, जेड जेड कंजुगेट प्लस ए कंजुगेट जेड प्लस ए जेड कंजुगेट प्लस बी इक्वल टू जीरो, बी इसमें रियल होगा, ए और जेड दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ठीक है। तो अब इसमें से हमें चाहिए रेडियस और सेंटर, ठीक है ना, तो रेडियस क्या होगी, सेंटर क्या होगा, ये देखिए रेडियस इसकी होगी त्रिज्या, ठीक है ना, यानी ये समीकरण, ये इक्वेशन एक वृत्त ही बनाता है
और रेडियस होगी इसकी रूट ए स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर माइनस बी, ये हो गया। तो आपको दिख ही रहा है इसमें बी की वैल्यू ये रही 4, ठीक है ना, और मॉड ए की वैल्यू ये रही, तो इसका स्क्वायर ले लीजिए आप, मॉड 2+3 आई, ये कितना बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 9 4 13, ठीक है ना, 13 आ गया ये, तो रूट 13 स्क्वायरिंग करेंगे तो 13 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा रूट ओवर 13 माइनस 4, बी की वैल्यू 4 है, बी इक्वल टू 4 है, ठीक है ना, तो 9 आ गया मतलब 3, ये रेडियस हो गई, आंसर हो गया इसका, ठीक ये। लेकिन अब इसमें आपने ये पढ़ा है तो सेंटर भी समझ लीजिए भाई, जब आपने रेडियस लिखा है तो सेंटर भी जान लीजिए, सेंटर क्या होगा इसका, सेंटर सेंटर इक्वल टू होगा माइनस ए, ये रहा सेंटर, ये होगा और रेडियस ये होगी, अगर ऐसा कुछ भी आ जाता है, ठीक है ना, ये सर्कल अगर आया तो आप समझ लीजिए कि आपको सेंटर और रेडियस दोनों निकालने के लिए आ सकते हैं, दोनों का फार्मूला आपके सामने फट से यूज कर दिए, तुरंत हो गया। अगर हम सेंटर की बात करें तो ए कौन सा होगा, ये होगा ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये तो माइनस टू, जो माइनस लेंगे आप, यहां पर माइनस है देखिए, माइनस है, तो जब माइनस आप लेंगे तो माइनस टू माइनस थ्री बन जाएगा सेंटर इसका, अगर सेंटर की जरूरत पड़े तो सेंटर निकालिए, रेडियस की जरूरत पड़े तो रेडियस निकालिए, अगर जेड की वैल्यू हम रख करके एक्स प्लस वाई रख करके चेंज करके लाएंगे तो सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा, अगर उतना बड़ा करेंगे हम तो फिर बहुत समय हो जाएगा भाई, तो फिर परेशान हो जाएंगे, फिर तो यही सवाल कर पाएंगे, बाकी तो सब रह जाएगा ना, ओके। आ जाइए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, जेड एंड डब्ल्यू बी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना, ठीक है, आर्ग जेड इस जगह थोड़ा सा छूट गया है, यहां पर अर्ग जेड हमें निकालना है, क्वेश्चन में पूछ रहा है इसमें कि अर्ग जेड क्या होगा, अर्ग जेड आपको बताना होगा ये वैल्यू क्या होगी, यानी एम्पलीट्यूड ये क्या होगा ये बताना है आपको, और गिवन है आपके पास, थोड़ा सा करेक्शन है मुझे लग रहा है, अभी देखता हूं मैं, जेड कंजुगेट प्लस आई डब्ल्यू कंजुगेट, ओमेगा नहीं है ध्यान रखिएगा, यहाँ ओमेगा नहीं कह रहा है, जब तक ओमेगा ना कहे तब तक हम जबरदस्ती ओमेगा का यूज नहीं करेंगे बिल्कुल, ठीक है, ये ध्यान रखिए आप, इक्वल टू जीरो, ये है एक इक्वेशन हमारे पास ये बन रहा है, ठीक, और दूसरा जो है यहां पर लिखा है जेड और आर्ग, ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया है इस जगह, है ना, ये तो मैं लिख देता हूं इसको, ये जरा इस जगह गलत हो गया है, इस जगह है आर्ग जेड प्लस आर्ग W इक्वल टू पाई, ये है, ठीक है ना बच्चों, ये वाला लिखा है, ये वैल्यू पाई के इक्वल है, ठीक, तो चलिए उसको भी यहां लिख लेते हैं, अर्ग जेड प्लस अर्ग W इक्वल टू पाई, ये दो इक्वेशन आपके पास हो गए, अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें जल्दी से अर्ग जेड निकालना है, तो ये रिलेशन तो आपके सामने दिया है दो, ये फिक्स है, इसमें कोई सोच रहा नहीं है, अगर ये वाले को हम कैलकुलेट कर लें कुछ, ठीक है ना, अगर इसको कैलकुलेट कर ले बच्चों तो कुछ ना कुछ हमारा काम हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने का मतलब ऐसा करिए, इसको यही सिंपलीफिकेशन होता है मैथमेटिक्स में, देखिए जब कोई क्वेश्चन आता है तो मैथ में सबसे खास बात यही है कि अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, थोड़ा भी समझ के रखा है जो इसके कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स वर्किंग कुछ किया है उसमें, तो फिर समझ लीजिए कि जल्दी कर पाएंगे आप, जैसे आई ओमेगा है कंजुगेट भी है, तो इसको जरा उधर ट्रांसफर करिए एक बार, जैसे आप उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आई और ये डब्ल्यू कंजुगेट हो गया, आप कंजुगेट हटा दीजिए जरा, तो कंजुगेट जैसे ही हटाएंगे आप इसमें तो बन जाएगा ये जेड, और माइनस आई का कंजुगेट तो क्या होगा, अब आप सोचेंगे कि सर माइनस आई क्या कर रहे हैं तो डब्ल्यू का ना करिए, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, जो है आप जानते हैं कि जेड वन अगर हम जेड टू लिखेंगे, जेड वन इंटू जेड टू का होल कंजुगेट है, तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, जेड वन कंजुगेट और जेड टू कंजुगेट, ये ऐसा ऐसा अलग अलग लिख सकते हैं आप, ये चीज ध्यान रखिए, तो वही बात यहां पर है कि जेड कंजुगेट है तो इसका अलग करिए, माइनस आई का आई हो जाएगा
और इसका कंजुगेट भी समाप्त हो गया। अब थोड़ा सा स्टेप में और आइए आगे। अब आप ऐसा करिए जेड अपान डब्ल्यू लिखिए और इक्वल टू आई। अब यहीं पर क्वेश्चन जो है अपने दिमाग से यूज करना होगा, यही खास बात है। आप निकालने आर्गुमेंट जा रहे हैं ना, गुणांक निकालने जा रहे हैं ना, आर्गुमेंट का मतलब है गुणांक, गुणांक निकालने जा रहे हैं तो सीधी सी बात है एम्पलीट्यूड कहिए, गुणांक कहिए, आर्गुमेंट कहिए। तो जब आर्गुमेंट निकालने जा रहे हैं तो फिर अर्ग का इसमें यूज कर दीजिए दोनों तरफ, जैसे किसी चीज का दोनों तरफ लॉग ले लिया जाता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाता है, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जाता है, दोनों तरफ प्लस कर दिया जाता है राइट लेफ्ट में। तो वही प्रोसेस यहां पर है कि दोनों तरफ आर्गुमेंट लगा दीजिए। तो जैसे ही बच्चों आर्गुमेंट लगाएंगे आप जेड अपान ओमेगा यानी डब्ल्यू, डब्ल्यू लिखना है ओमेगा नहीं है, तो अर्ग आई। अब अर्ग आई, आई जो है हमेशा ध्यान रखना है आपको आई और माइनस आई, यहां पर जो है आई होता है तो फिर यहां पर माइनस आई होगा, ठीक। तो इसका आर्गुमेंट होगा पाई बाई टू, तो इसका आर्गुमेंट होगा माइनस पाई बाई टू, ये वाई एक्सिस में होगा, इसका जो है एक्स एक्सिस का ये जीरो होता है आर्गुमेंट और इधर वाले का पाई होता है। तो यहां पर जो है एक इक्वेशन आपको मिल गया, क्या मिला भाई, अर्ग जेड। हमने पहले कहा था आप लोगों को कि जो आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो एक लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज को फॉलो करती हैं। जैसे लॉग एम अपान एन होता तो लॉग एम माइनस लॉग एन करते, तो वही चीज यहां पर भी बन जाएगी, ये बन जाएगा अर्ग जेड माइनस अर्ग डब्लू इक्वल टू अर्ग आई का मतलब पाई बाई टू, ये हो गया, ठीक है। तो अब इसमें से आपको एक इक्वेशन ये मिल गया, एक इक्वेशन ये मिला थर्ड नंबर, और एक इक्वेशन आपके पास ये पहले से है ये सेकंड नंबर, ये रहा। इन दोनों से जो है बिल्कुल हाई स्कूल जैसा क्वेश्चन अब बन गया। आपको जैसे दोनों को ऐड करेंगे तो अर्ग डब्ल्यू कट जाएगा, ये टू अर्ग जेड आ जाएगा, और पाई बाई टू, और पाई का मतलब कितना हुआ थ्री पाई बाई टू, तो अर्ग जेड आ जाएगा थ्री पाई बाई फोर, थ्री पाई बाई फोर, ना ये होगा ना ये और ना ही ये, ठीक है ना। मतलब अर्ग जेड तुरंत बन गया, ये अर्ग जेड इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है ना, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन प्लस टू, ये आपको कर देना है। दोनों को ऐड कर देने से तुरंत कैलकुलेट हो जा रहा है, मतलब एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें केवल एक स्टेप यही थी कि ये क्वेश्चन तो बरकरार है हमारा, इसको उधर ट्रांसफर करके कंजुगेट करके आर्गुमेंट निकालना है तो अर्ग में बदल देना है। जैसे अर्ग में आप बदलेंगे तो एक ही क्वेश्चन बन जाएगा वही, जैसे ना कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री है, टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू फाइव है, तो हमें एक्स निकालना है तो सीधे सी बात है दोनों को प्लस करें या माइनस करेंगे। ओमेगा डब यानी डब्ल्यू नहीं निकालना है तो डब्ल्यू को कैंसिल आउट करिए। आ जाइए अब नेक्स्ट में देखिए, अब इसको ये क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ऐसे और भी इसमें कई बनेंगे जिनमें से थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना होगा इस तरीके का। आ जाइए जरा इसमें देखिए, द मिरर इमेज ऑफ द कर्व अर्ग, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये है पाई बाई सिक्स इन द रियल एक्सेस, रियल एक्सेस का मतलब वाई एक्सेस, ठीक है ना, वाई एक्सेस। तो जरा देखिए इसको समझिए, ये एक्स एक्सेस हो गया रियल एक्सेस, ये इमेजिनरी एक्सेस है, ये रियल एक्सेस है। अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज जो है क्या होगा, यहां पर है अगर जेड, ठीक है ना, जेड यहां पर है तो फिर इसका इमेज कहां जाएगा, नीचे उतनी ही दूर, यहां पर ये हो जाएगा जेड बार, राइट, इसका इमेज रियल एक्सेस में। सीधी सी बात है कि जैसे ये मिरर है, अब ये मिरर है तो अगर ये यहां पर इसका इमेज मैं देखना चाहूं तो नीचे दिखेगा यहां पर, ठीक है ना, तो ये रियल एक्सेस हो गया, तो ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। अब नीचे आने का मतलब जेड कंजुगेट ही तो हुआ ना, सीधी सी बात है कि जेड कंजुगेट हुआ, और अर्ग की बात है तो एक अर्ग की प्रॉपर्टी भी है हमारे पास, वो ये है कि अगर आप अर्ग जेड कंजुगेट निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस अर्ग जेड, ये हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया काम उसका, कहानी खत्म उसकी।
बस वो जो लिखा हुआ है इक्वेशन उसी को फटाफट बदल बदल करके तुरंत ले आइए। ये देखिए हमारे पास है क्या, आर्ग जेड माइनस थ्री अपान जेड माइनस वन इक्वल टू पाई बाई सिक्स, ये है। तो ये तो आर्ग जेड है, इसको पूरा मान के चलिए कि जेड है, ये जेड माइनस थ्री अपान जेड माइनस वन जो लिखा है वो पूरा जेड है। तो आर्ग जेड इक्वल टू पाई बाई सिक्स है और हमें निकालना क्या है, माइनस आर्ग जेड। तो लगा दीजिए फट से, हो गया इमेज तुरंत, इमेज इन एक्स एक्सेस, रियल एक्सेस, एक्स एक्सेस एक ही है, ये हो जाएगा माइनस आर्ग जेड माइनस थ्री अपान जेड माइनस वन इक्वल टू पाई बाई सिक्स, ये हो गया। अब आप लोग अच्छी तरीके जानते हो भाई कि अर्ग में क्या होता है, लॉग अर्थमिक की प्रॉपर्टीज। तो ये लॉग यानी अर्ग जेड वन माइनस जेड टू बनेगा, तो अगर ये माइनस को हटाना है तो उल्टा कर दीजिए, अगर हम माइनस हटाना चाहते हैं तो उल्टा कर दो बेटा, तुरंत ये ऊपर चला जाएगा अर्ग जेड माइनस वन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इक्वल टू पाई बाई सिक्स, ये हो गया आंसर। ठीक, अर्ग कहां लिखा है, अर्ग जेड माइनस वन अपान जेड माइनस थ्री, जेड माइनस वन, ये थोड़ा सा यहां पर कुछ गलतियां हो गई हैं, ठीक है ना, वहां पर जो है वन है, तो अगर उस जगह हम आई करेंगे तो यहां पर आई होगा, लेकिन जेड माइनस थ्री केवल इसमें है, इसमें है नहीं, तो छोड़ दीजिए उसको, ठीक है ना, इसमें जो है जेड माइनस थ्री है तो ये तो संभव ही नहीं है, वही चीज है। देखिए मैं अभी क्लियर करा देता हूं, ये भी नहीं है, ठीक, ये केवल हमारे पास ये वाला बन रहा है, लेकिन यहां पर जो है थोड़ा सा ये गलती हो गई है, तो इसको आप सही कर लीजिए, ये बनेगा यहां पर माइनस है, ये माइनस है और ये वन, अगर आई करें हम, देखिए ये भी है ध्यान रखिए, अगर उस जगह आई कर दें हम तो आई भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई जरूरी है कि वहां पर वन है तो वही रहने दें, अगर उस जगह हम आई करना चाहते हैं तो यहां पर आई कर देंगे, वही बात है बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर के आंसर ये होगा इसका, ठीक, जेड माइनस वन ऊपर हो जाएगा और जेड माइनस थ्री नीचे हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर उस जगह आई है तो फिर हम आई का यूज कर लेंगे, वन है वहां लिखा है वन तो मैंने वन भी कर दिया इसको, ठीक है ना, इन सभी को वन ले लीजिए, और अगर आई की बात करें तो वाई भी ले सकते हैं इसमें, यानी दो क्वेश्चन आप बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है उसमें, ठीक है ना, वो मिस प्रिंट जो है उस जगह हो गया है यहाँ पर प्लस में। और अब आ जाते हैं, चलिए ये ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी इमेज की बात आएगी और आर्ग्यूमेंट लिखा है, इमेज तो समझ, हमेशा जेड का इमेज क्या होता है, जेड बार ही होगा हमेशा, जेड नीचे है तो जेड बार ऊपर, एक्स एक्सिस ही बाउंड्री है, इमेज है, मिरर है उसका, मिरर में जो है जेड ऊपर है तो जेड बार नीचे, यानी कंजुगेट नीचे हो जाएगा, जेड नीचे है तो उसका कंजुगेट ऊपर हो जाएगा, ठीक, ये केसेस चलता रहेगा इसमें से। तो जब आर्ग्यूमेंट लग जाएगा तो आर्ग्यूमेंट के साथ में प्रॉपर्टी भी यूज कर देंगे, बस केवल उतना काम करना है, कुछ अलग भी नहीं है उसमें। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया इस तरीके, कई पूछे तो सभी जा रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ, 100% आते ही रहते हैं, ठीक है ना, उनका कॉन्सेप्ट डायरेक्ट वही क्वेश्चन, ये वैल्यू कह रहा है कि इसमें कितना होगा ये, ठीक। अब इसमें एक बहुत बढ़िया सा ट्रिक हम आपको बताते हैं जिससे आप तुरंत कर पाएंगे इसे, देखिए यहां समेशन है एन इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होगा, हंड्रेड तक है, और i टू पावर n फैक्टोरियल है साथ में, ठीक है ना, n नहीं है, n फैक्टोरियल है, n वाला भी सिंपल ही होगा, वो भी मैं अभी एक बता दूंगा आपको। अब सुनिए जरा, जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो एक्सप्लेन करने में क्या लिखेंगे, i टू पावर जीरो फैक्टोरियल वन होता है, ठीक है ना, प्लस i वन फैक्टोरियल प्लस i टू फैक्टोरियल, ठीक, प्लस i थ्री फैक्टोरियल प्लस आई फोर फैक्टोरियल, ठीक। अब इसके बाद आगे बढ़ जाइए, कहां तक चलना है, आगे जो है प्लस आई टू पावर हंड्रेड फैक्टोरियल, ठीक, इतना हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा जरा इसको, ये बताइए आई टू पावर फोर एन की वैल्यू हमेशा वन होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी ना, आई की पावर फोर का मल्टीपल है तो हमेशा वन ही होगा। तो जरा सोचिए, इतने में जो है हमारे पास फोर नहीं आ रहा है,
इतने में 4 नहीं रहा आर आई की पावर, लेकिन यहां पर 4 फैक्टोरियल में 4 तो पक्का है ना, ये तो आप समझ रहे होंगे कि 4 फैक्टोरियल है तो फिर 4 भी होगा, 3 भी होगा, 2 भी होगा, 1 भी होगा, 5 फैक्टोरियल आगे आएगा तो भी जो है 5 होगा, फिर 4 भी होगा, फिर 3 भी होगा, फिर 2 भी होगा, फिर 1 भी होगा, मतलब कुल मिलाकर के आगे सभी में 4 आना ही है पक्का। 4 फैक्टोरियल से जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके आगे 4 बनेगा ही बनेगा, तो श्योर है कि सब वैल्यू 1 हो जाएंगी। जब सब वैल्यू 1 हो जाएंगी तो फिर भय कितना, 0 से लेकर के 100 तक। कभी कभी ये गलतियां हो जाती हैं जो है बच्चों से कि पूरे कहेंगे कि कितने टर्म है तो जल्दी भूल जाएंगे 100 नहीं, 0 भी इंक्लूड है ना, 0 इंक्लूड है इसलिए 101 हो गया। जब 101 है तो फिर ये देखिए आई टू पावर 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो यहां आई बचेगा कि आई हो गया, 1 फैक्टोरियल भी वही होगा तो आई बचेगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 यानी आई स्क्वायर यानी -1 हो गया, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये 6 आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 हो जाएगा, तो ये भी -1 हो गया। अब बच्चों आगे आ जाइए, 1, 2, 3, 4 टर्म्स चले गए, 101 में 4 टर्म्स माइनस करिए तो 97 बचा, 1111 ये 97 टाइम्स आ जाएगा, ठीक 97 टाइम्स आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल। 4 का मल्टीपल पूरे के पूरे आगे होंगे तो सब 1 होंगे, 97 बचेगा उसमें, इधर वाले में आई स्क्वायर है तो -1, आई की पावर 6 है तो 2 बच रहा है तो -1, और ये तो आई है, अब ये 2 माइनस कर दीजिए तो 95 हो गया, तो 95 प्लस 2 आई आंसर हो गया, ये हो गया आंसर। इस तरीके से हम फैक्टोरियल वाले को सोचिए कैलकुलेट कर देते हैं, और अगर बिना फैक्टोरियल का होता ऐसे क्वेश्चन वही पूछे गए, बहुत ही आराम से हो जाता है, जो मैट्रिक बता रहा हूं बिल्कुल तुरंत हो जा रहा है, वो कैलकुलेशन करके फटाक से कर दीजिए। अब जरा आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए ये देखिए गजब का कॉन्सेप्ट, हमने कहा था एंथ रूट्स ऑफ यूनिटी भी होता है, एंथ रूट्स ऑफ यूनिटी भी होता है, जिस तरीके से क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम क्या होता है 0। अभी आपने पढ़ा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 0, तो उसी तरीके अगर फोर्थ रूट्स की बात करें हम, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब तो भी 0 होगा बच्चों, और अगर nth रूट्स की बात करें तो भी 0 होगा, ठीक है ना, तो भी 0 आएगा, ये इस तरीके से जो है बनता चला जाएगा, इसमें अल्फा स्क्वायर कहां तक जाएगा, ये प्लस अल्फा टू पावर n माइनस 1, एक कम रहता है, ये देख लीजिए जैसे क्यूब में है तो क्यूब में 2 तक गया, फोर्थ में है तो क्यूब तक गया, तो उसी तरीके n तक में जो है -1 तक जाएगा, इन सभी का सम 0 होता है, ठीक है ना, यानी सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी हमेशा 0 होता है, इस तरीके से क्यूब रूट्स का भी। तो इसको जब हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं जानते हैं, तो पोलर फॉर्म में हमेशा या यहां से शुरू हो रहा है ये समेशन k इक्वल टू 1 यहां शुरू होगा, बल्कि 0 से और n माइनस 1 तक जाएगा, क्योंकि n रूट्स होंगे ना तो 0 इंक्लूड हो गया, तो 0 से n माइनस 1 तक ही जाएगा, ठीक है ना, उससे आगे नहीं जाएगा हमेशा, और यहां जो है cos 2k पाई अपान n, ठीक है ना, यहाँ n माइनस 1 है तो यहाँ n होगा, ज्यादा होगा एक, अब ये प्लस माइनस हो सकता है, साइन कॉस बदल भी सकते हैं, ठीक है ना, साइन 2k पाई अपान n, ये हो गया बच्चों, ठीक है ना, ये और ये वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी 0 के इक्वल, ये सेम चीज यही है, यही लिखा हुआ है, ये पूरा जो है यही है, ये चीज इस तरीके लिखेंगे तो ये बनेगा और ऐसे लिखेंगे तो ये बन जा रहा है, मतलब समेशन ऑफ रूट्स, ये ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें पोलर फॉर्म में, तो अगर इस फॉर्म का कोई भी वैल्यू आ रही है 0 से लेकर के n माइनस 1 तक होना चाहिए तो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। तो जरा यहां देखिए, अब रही बात यहां माइनस प्लस में परेशान मत होइएगा,
अगर हम आई कॉमन भी ले लेंगे इसमें, ठीक है ना, और पूरा एक्सपेंड करेंगे तो यही बनता जाएगा। लेकिन जरूरत है एक शॉर्ट ट्रिक की ना, जो है 2 सेकंड में निकालने वाली, लेकिन यहां पर जीरो से नहीं शुरू है, ये देखिए 1 से शुरू है ये, ठीक है ना, ये 1 से शुरू हो जा रहा है। समेशन यहां 10 तक गया है, समेशन के इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है और है ये 10 तक, और साइन साइन 2 पाई के अपान 11 माइनस आई कॉस 2 पाई के अपान 11, ये हो गया, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि जिसमें nth रूट्स का यूज हो जा रहा है, यहां पर जीरो से ना स्टार्ट होकर के किससे शुरू हो, 1 से शुरू हो, जैसे मैंने जीरो लिखा यहां पर, तो जीरो से ना स्टार्ट होकर के इस जगह 1 से शुरू हो जाए, तो फिर ये जीरो नहीं होगा। तब जीरो होगा जब आप k की वैल्यू 0 भी रख लें। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, बहुत ही जबरदस्त। k इक्वल टू 0 जरा रखिए, साइन 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 0 0 आ जाएगा, ठीक है ना, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक ठीक है ना, ये साइन 0 रखने पर बच्चों जो अभी हमने बताया आपको वो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद साइन 0 0 हो जाएगा, लेकिन कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, राइट, कॉस 0 1 हो जाएगा। तो जो अभी मैंने फार्मूला आपको लिख के दिया उसमें, ठीक है ना, उसमें जो है आप यहां पर k इक्वल टू 0 रख करके जो भी वैल्यू आए उतना ही ऐड कर दीजिए और उतना ही माइनस कर दीजिए। मतलब ये कि यहां पर समेशन k इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर दें अगर हम, तो 0 रखने पर जो भी वैल्यू आएगी उसका यूज कर लेंगे, ठीक है ना। 0 रखने पर, 0 रखना नहीं है फिलहाल इसमें अभी, लेकिन वैल्यू जोड़ देना है, ऐड कर देना है उसमें, साइन 2 पाई के अपान 11, ये देख रहे हैं आप, यहाँ 10 था तो यहाँ 11 है, यहाँ 10 है तो एक ज्यादा होगा इसमें से, माइनस आई कॉस 2 पाई के अपान 11। चलो बच्चों, अगर इसमें हम k इक्वल टू 0 पुट कर दें तो वैल्यू क्या आएगी, समेशन की वैल्यू, तो समेशन को मैं m लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा ज्यादा अच्छा रहेगा लिखने से, ये समेशन को m लिख दिया मैंने। तो अगर k इक्वल टू 0 रखते हैं तो फिर इसका मतलब है कि m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0 रखने पर ही देखिए साइन 0 0 हो गया, ठीक, कॉस 0 यहां रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो माइनस आई बच रहा है, माइनस आई बच रहा है बच्चों, यानी 0 रखने पर, बहुत ही एक लाइन का क्या, एक ही लाइन का क्वेश्चन है, सामने आंसर रख दीजिए आप, जैसे सामने दिख रहा है ना आपको, 0 रखिए, 0 से स्टार्ट नहीं है तो 0 यहां रखिए आप, तो जब यहां 0 रखेंगे तो साइन 0 0 हो गया, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो माइनस आई बचा, इसका मतलब माइनस आई की आवश्यकता हमें और है इसमें। तो अगर माइनस आई हम ऐड कर दें इसमें, माइनस आई ऐड कर दें, ठीक, माइनस आई हमने ऐड कर दिया, ये लीजिए, तो अब ये वैल्यू 0 हो जाएगी, पूरी की पूरी वैल्यू अब 0 हो गई, 1 से शुरू था लेकिन 0 वाला भी हमने लिख दिया, तो माइनस आई तो आपने ऐड किया ना, वो तो एक्स्ट्रा हो गया ना, हमें उसकी तो जरूरत थी नहीं, तो फिर सीधी से बात है उतना ही माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो माइनस आई है अगर, तो प्लस आई कर दीजिए, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक। बस ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट जो है यहां से यहां तक 0 हो गया और 0 प्लस आई बचा, मतलब आंसर हो गया आई। बहुत ही ऐसे कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं ये, ठीक है ना। क्या है ये, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी इसका क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। सम ऑफ nth रूट्स यूज किए गए हैं और डायरेक्ट जो मैंने ट्रिक आपको बताई वो बहुत ही बेस्ट है, बिल्कुल तुरंत यूज करिए, फटाफट आंसर ले आइए, हो गया कमाल उसका। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन अगर कभी बनेंगे तो आपको देर नहीं लगेगा, तुरंत ही कर पाएंगे आप, ठीक है ना। इस चीज को समझ गए होंगे मैंने क्या कहा, यहां पर जो है 0 से स्टार्ट नहीं है, चाहे वहां साइन हो चाहे कॉस हो, आई किसी के साथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा था कि आई कभी कॉस के साथ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो हम जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तब हम आई कॉमन ले लेंगे, लेकिन जब हमें आंसर ही निकालना है डायरेक्ट, तो फिर हम डायरेक्ट 0 रख करके जो भी आ रहा होगा प्लस आई माइनस आई
वो यूज करके वो बाहर कर देंगे उसको, तुरंत उतना प्लस कर देंगे और उतना ही माइनस कर देंगे और सीधा सा क्वेश्चन आ जाएगा मुश्किल से 10 सेकंड में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। देखिए एक क्या गजब का क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। ABCR इंटीजर, ये आप देख सकते हैं ABC इंटीजर है। ठीक, नो टू ऑफ देम बीइंग इक्वल, दो इक्वल नहीं है, और ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है ना, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। क्या गजब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये बोला है कि ABC तीनों इक्वल नहीं है। ठीक है ना, क्या लिखा है उसमें, नो टू ऑफ देम बीइंग इक्वल। ठीक है ना, इसमें से कह रहा है कोई भी दो जो है इक्वल इस तरीके से नहीं है कि A इक्वल टू बी इक्वल टू सी तीनों हो जाए। ये जो है टू लिखा हुआ है, टू नहीं है यहाँ पर, ये बच्चों थ्री है। ठीक है ना, दो तो इक्वल, हाँ ये भी हम कह सकते हैं इसको, जैसे अगर लिखा है टू तो A इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, अगर ऐसा हो जाएगा तब तो तीनों इक्वल हो गए ना, या फिर सी इक्वल टू ए हो जाए, ठीक है ना, तो ऐसा इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इसमें सीधा सा है कि तीनों इक्वल नहीं होंगे, तीनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है ना, दो इक्वल हो सकते हैं जो ये लिखा है। अब ये अपने आप से समझना है भाई हमें कि तीनों इंटीजर इक्वल नहीं होंगे लेकिन दो तो हो सकते हैं, ये क्वेश्चन का एक अलग सोच है इसमें से। ठीक है ना, यानी किसी न किसी क्वेश्चन में ऐसी चीजें सोचनी पड़ती है, और मॉडरेट अगर क्वेश्चन होता है तो फिर सोचना ही होगा ऐसा। जो है मॉडरेट तो आता है भाई पीजीटी में, पीजीटी में मॉडरेट क्वेश्चन तो आता ही आता है, उसको आपको बनाना पड़ेगा ही थोड़ा थोड़ा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आता है। तो नो थ्री ऑफ देम बीइंग, ठीक है ना, उनमें से कोई भी इक्वल नहीं है, जो है आपस में तीनों इक्वल नहीं है, तो दो इक्वल तो होंगे, बस बन गया क्वेश्चन। ठीक है ना, अगर आपने ये चीज नहीं सोचा कि तीनों इक्वल नहीं है तो बस हम लटक गए उसी में, परेशान रहे कि यार तीनों इक्वल नहीं तो क्या होगा। कोई बात नहीं, तीनों इक्वल नहीं है तो हम ऐसा करते हैं, दो तो इक्वल होंगे, कोई भी दो तो लेट कर लीजिए तुरंत, बी इक्वल टू सी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्यों बी इक्वल टू सी क्यों लेट कर रहे हैं आप, ए इक्वल टू बी को निकल लिया आपने। ठीक है ना, ए इक्वल टू इसलिए निकल लिया क्योंकि बी और सी में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, तो अगर दोनों को बराबर करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। कैसे गायब हो जाएगा अभी देखिए, आपको पता लग जाएगा कैसे गायब होता है। यहां पर a प्लस बी ओमेगा है और दूसरा जो है वहां पर भी b ओमेगा स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट a है, b कॉमन ले लीजिए आप, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जानते हैं आप, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी इसमें, तो फिर बन जाएगा ए माइनस बी। अब अगर ये दोनों इंटीजर हैं, लिखा है क्वेश्चन में एबीसी सभी इंटीजर है, तो आप खुद समझ सकते हो कि जब तीनों के तीनों इंटीजर हैं, तो अगर हम दो इंटीजर यानी दो पूर्णांकों के बीच मिनिमम वैल्यू निकालें, कम से कम वैल्यू निकालें, तो फिर समझ लीजिए कि दोनों कंजेक्यूटिव होना चाहिए। जैसे दो है तो दो के बाद तीन, तीन है तो तीन के बाद चार, चार है तो चार के बाद पांच, ऐसा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि दोनों अगर बराबर हो गए तो 0 आ जाएगा, तो बराबर नहीं है तो फिर एक ज्यादा होगा, बस ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मिनिमम वैल्यू आ गई, आंसर हो गया इसका, ये हो गया। ठीक है ना, समझ रहे ना, जैसे यहां लिखा 2 - 3 भी लिखा होता आपने तो भी बनाता, 3 - 2 भी लिखा होता आपने तो भी बनाता, क्योंकि मॉडुलस है तो पॉजिटिव आएगा। कितना है देखा आपने, कितना एक लाइन भी नहीं पूरी हो रही अगर यहां से यहां लिखें, और एक शानदार क्वेश्चन तुरंत हो गया वो। ठीक है, बहुत बढ़िया मेथड से, बिल्कुल बस इत्मीनान से जो है एक एक चीज कॉन्सेप्ट सुनिए, उसको नोट करिए, तो सब पूरा लगता चला जाएगा। जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि क्वेश्चन में बोल रहा है, थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन इसलिए हो गया क्योंकि इसने कहा कि तीनों इक्वल नहीं है, तो अब हमें अपने दिमाग से सोचना है कि तीन इक्वल नहीं है तो दो इक्वल कर लें यार, दो तो कर सकते हैं, इक्वल नहीं होगा तीसरा, कोई बात नहीं। जैसे ही आपने दो इक्वल किया, ये नहीं लेना है हमें, ये चीज नहीं होनी चाहिए तीनों एक साथ, तो जैसे ही दो इक्वल किया आपने, तो तुरंत हमारे पास एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बन के आ गया, ए माइनस बी आ गया अकेला, दो इंटीजर का माइनस और दो इंटीजर दो पूर्णांकों का माइनस मिनिमम तभी होगा जब दोनों लगातार होंगे,
अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, देन इक्वेशन दिस 2z-i/z+1 इक्वल टू m है. रिप्रेजेंट ए सर्कल, ये सर्कल बना रहा है, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ये. ये z है, ठीक है ना, ये इक्वेशन दिया हुआ है आपके पास. अगर ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर इनमें से कौन सी वैल्यू नहीं होगी, नॉट इक्वल टू m, नॉट इक्वल टू. ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं बच्चों से, क्वेश्चन में ऑप्शन लिखा है कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, कौन सी वैल्यू नहीं होगी, तो जल्दबाजी में क्या करते हैं कि जो नहीं होगा उसको ढूंढ करके जो होगा उसी पर टिक कर जाते हैं, बाकी को चेक नहीं करते. ये गलती से आपको बचना है, ठीक है ना. तो फिर चलिए आ जाइए यहां पर सॉल्यूशन में. देखिए बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका. सॉल्यूशन में ये है, लोकस की बात आ गई यहां. इफ मॉड z-z1 इक्वल टू z-z1/z-z2 इक्वल टू k एंड k इक्वल टू 1, अगर ये 1 हो जाए तो, ठीक है ना. या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्ट इसको, ये भी कह सकते हैं, ना लिखें इसको, कोई जरूरी नहीं, ये लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू 1, देन जेड इज ए सर्कल. बिल्कुल सीधी सी बात है. और अगर 1 के इक्वल हो गया तो, ये भी तो हो सकता है कि 1 के इक्वल हो जाए तो, इफ मॉड z-z1/z-z2 इक्वल टू 1, अगर ऐसा है तो फिर ये बन गया, देन जेड इज ए स्ट्रेट लाइन. ये हो गया. ये दोनों केस हैं. अभी लोकस में तो बहुत सारा है, उस पर हम लोग फिर अगली क्लासेस में चर्चा करेंगे, बहुत सारा जो है आगे, वो सब होना ही है, ठीक है ना. अब ये क्लास तो ये डेमो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप उन चीजों को समझ रहे हैं कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी होगी और कैसे हम तैयारी कराएंगे आपको और आपको कैसे करनी होगी, ठीक. तो ये बन गया, यानी नॉट इक्वल टू 1, यानी 1 नहीं होना चाहिए तभी ये सर्कल होगा. बस हो गया, आंसर हो गया ये, ठीक है. तुरंत इसमें कुछ करना नहीं था, एक बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा, बस उसका यूज के लिए हो गया. और अगर ऐसा ना करते हम तो जानते हैं फिर क्या करेंगे, फिर जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई रखेंगे और सॉल्व करके लाएंगे, सर्कल बनाएंगे उसको. तो ये सब इतना बाउंडर इसमें करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना. तो ओके डियर, इन सभी क्वेश्चंस को एक बार आप जरूर देख लें, ठीक है ना. ये जरूर एक बार पूरा का पूरा जो है अच्छी तरीके से रिकॉर्डिंग देख लें, बढ़िया सा तैयार कर लें, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना. इसी को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे, जैसे ये आपने देखा कुछ अब नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ हम लोग जो है दूसरे लेक्चर में मिलेंगे. ओके डियर, थैंक यू.